7 लाइव में जुड़े हुए, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। अपनी बाइबल खोलो, अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, तो आज का हमारा टॉपिक है, क्या आपको किसी ने ठेस पहुंचाई है? आज इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको किसी ने ठेस ना पहुंचाई हो या किसी को गुस्सा ना दिलाया हो। तो अगर आज आपको किसी ने ठेस पहुंचाई है, तो परमेश्वर आज रात आपके लिए कुछ करना चाहता है, आपको ब्लेसिंग देना चाहता है। हम देखेंगे लाइव में और ध्यान से सुनेंगे कि किसी ने ठेस पहुंचाई है आपको, तो आपको ध्यान से सुनना। इसी समय इस टॉपिक को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आइए हम अपने सिर पर हाथ रखें और परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों को पवित्र आत्मा जी कोई ठेस पहुंची है, मेरे प्रभु जी, मैं आज का वचन जब इन्हें सुनाऊं पवित्र आत्मा तेरे कलाम को, मेरे पिता इनके बंधन टूट जाए परमेश्वर, इनकी तन्हाई दूर हो जाए परमेश्वर, जो ये सच में पवित्र आत्मा जी अकेलेपन को जी रहे हैं परमेश्वर, जो बुराई का सामना कर रहे हैं परमेश्वर, पवित्र आत्मा नाम दराई का सामना कर रहे हैं, जिनकी गवाहियां नहीं बनी है पिता परमेश्वर, इनकी जिंदगियों में काम करना आज के बाद यीशु मसीह का नाम है, आमीन। आज का वचन आपको 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फलवंत करेगा। उन लोगों के लिए कर्म, खासकर जो लोग अपनी लाइफ में बीज बोते हैं, उन लोगों के लिए परमेश्वर रास्ते खोलता है, क्योंकि बाइबल में लिखा, नीति वचन में 16:18 में भी आप देख सकते हैं, 18:16 में भी यहीं पर लिखा है, तो वहां पर लिखा है कि भेड़ मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है और बड़े लोगों के सामने खड़ा करती है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, तो आपको इस टॉपिक पर ध्यान से सुनना है। आज आप कितने भी तकलीफ में हो, कितनी भी प्रॉब्लम में हो, लेकिन आज तकलीफ खत्म हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है कि आपको किसी ने ठेस पहुंचाई है। मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ, अपने पड़ोसी से पूछो कि आपको ठेस पहुंचाई है। मैं ये वचन इसलिए सिखा रहा हूँ आपको कि ताकि आप सीखें, और जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर के स्वर्गदूत तुरंत काम करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि परमेश्वर सालों काम लगा देता है काम करने में, लेकिन नहीं, परमेश्वर ने जब भी यीशु मसीह ने चंगाई दिया कई लोगों को, तो उसी समय तुरंत वो देखने लगा, तुरंत चंगा हो गया, तुरंत बिजनेस खोलेगा, तुरंत ब्लेसिंग आएगी, तुरंत आप बच्चे की आशीष को पाएंगे। सालों साल उसकी लाइफ में लगते हैं जो कह रहे हैं कि वचन का ध्यान नहीं रखते, और जो लोग प्रार्थना पर जोर नहीं देते, जो लोग परमेश्वर के दासों के साथ दुश्मनी करते हैं, ये याद रखना, प्रार्थना करने वाले बंदे के साथ जो दुश्मनी रखता है, कहता है कि उसके उसके काम असफल हो जाते हैं, ब्लेसिंग नहीं मिलती। आज बहुत सारे लोगों की प्रेयर है कि उनके अपनों ने उनका दिल तोड़ दिया है। कह रहे, तो हो सकता है आपका भी किसी ने दिल दुखाया, हो सकता है आप दूसरों ने नहीं, अपनों ने आपका दिल तोड़ दिया हो, हो सकता है कि आप परमेश्वर के सामने बैठे हो और वो आप प्रार्थना कर रहे हो और परमेश्वर को कह रहे हो, परमेश्वर जिस व्यक्ति ने मुझे ठेस पहुंचाई है इसको उठा ले या मेरे सामने से दूर कर दे। घबराना मत, कई बार परमेश्वर ने उन लोगों को जान मूझ कर आपकी लाइफ में रखा होता है कि आप तरक्की करें, आपकी लाइफ में इसलिए रखा है परमेश्वर ने कि ताकि आप तरक्की करें और आप बढ़े। लेकिन कुछ लोग उल्टी प्रार्थना करते हैं और वो करते रहते हैं कि परमेश्वर इसे मेरी लाइफ से हटा दे, लेकिन परमेश्वर जानबूझकर ऐसे लोगों को आपके जीवन में रखता है कि ताकि आपकी प्रोग्रेस हो और आपकी उन्नति हो। लेकिन आप कहेंगे कि परमेश्वर ऐसे कैसे पास करती है, ऐसे कैसे, तो मैं वचन से बताऊंगा आपको। आप लिख सकते हैं अपनी डायरी में 1 शमूएल 1:6 में। अगर आज वचन आपने ध्यान से सुना, मैं कह रहा हूँ जितने लोग आपको ठेस पहुंचा रहे हैं, जितने आपके राहों में कांटे फेंक रहे हैं, जितने आपको बदनाम कर रहे हैं, वो लोग आपके सामने फूल फेंकेंगे, आपका स्वागत करेंगे यीशु के नाम में। अगर आप आमीन बोल रहे हैं तो आप आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। तो वो स्वर्गदूत आ रहे हैं आपके पास आपकी सेवा टहल करने के लिए। 1 शमूएल 1:6 में हम पढ़ते, देखो क्या लिखा स्क्रीन पर, कि वहां लिखा एक जगह पर कि हन्ना नाम की एक स्त्री थी, और हन्ना उस समय में उसके साथ एक सौतन उसके साथ रहती थी, उसका नाम था पनिन्ना। तो उसी समय वो क्या करते थे, 5 में पढ़ रहा हूँ 1:5 को, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था, तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। इसका मतलब कि कितना दान दिया हुआ, कितनी प्रार्थना की हुई, कई बार परमेश्वर फिर भी खुश नहीं होता, आप समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 6 में लिखा, परंतु उसकी सौतन इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़कुड़ाती रहती थी। मतलब कि उसे अत्यंत चिढ़ाती थी, थोड़ा नहीं, बार बार ज्यादा उसके दिल को ठेस पहुंचाती थी। कौन है? बाहर की नहीं, उसी की, उसके पति ने दूसरी शादी किया और उसको उसके साथ रहती उसकी सौतन। लेकिन मैं कह रहा हूं कि उसकी लाइफ में चमत्कार नहीं हो रहा है, और वो बार बार प्रेयर कर रही है, लेकिन एक भी उसके जीवन में आशीष नहीं आ रही, और उसको चिढ़ा रही है, बार बार चिढ़ा रही है, और बार 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 वो तकलीफ में आ गई है, टूट गई है,
और लेकिन ये औरत मंदिर भी जाती है, ये औरत प्रार्थना भी करती है, अंदर दशमांश भी देती होगी, दान भी देती होगी, चर्च भी जाती होगी, लेकिन रीजन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, लेकिन वो इस बात को नहीं समझ रही। लेकिन उस समय में कह रहे कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि वहां पर हन्ना जो है जब परमेश्वर के मंदिर में गई तो पहले वो 10 मिनट की प्रार्थना करती थी, क्योंकि वो कई साल से बांझ थी, वो जाती थी कि परमेश्वर ने देना तो है नहीं, ठीक है मैंने बहुत प्रार्थना कर ली, और 10 मिनट प्रार्थना करती और चली जाती। हन्ना मंदिर में शिलो में जाया करती, दान चढ़ाती थी, हमारे पुरखों ने कहा है। आज भी बहुत सारे क्रिश्चियन ऐसे ही करते हैं, वो जाते हैं और 5 मिनट की प्रेयर करते हैं। आज जिनकी 5 मिनट की प्रेयर है उनकी परमेश्वर सुनवाई नहीं करता, ये याद रखना। आज बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं, 10 मिनट की प्रेयर करते हैं और अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हैं। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि आपको जब आप 10 मिनट की प्रेयर आप करते हैं तो बहुत सारे काम आपके अधूरे रहते हैं और प्रॉब्लम में रहते हैं। हन्ना को चिढ़ाना, उसने चिढ़ाना जब शुरू किया तो उस समय में कह रहे कि उसके फायदे में उसने उसी समय अपनी प्रेयर लाइफ को बढ़ाया। वो घंटों घंटों लिखा कि वो घंटों घंटों रोने लगी, और इसी के 11 को पढ़ रहा हूँ तो वहां पर लिखता है, वहां पर क्लियर लिखा, और उसने मन्नत मानी है सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख को दूर करे तो मेरी सुधि ले अपनी दासी को भूल ना जाए, तो कह रहे कि मैं जीवन भर, मतलब एक शपथ ली उसने और उसी समय एक आज्ञा को फॉलो किया, और उसने कहा परमेश्वर छुरा नहीं करने दूंगी और मैं उसको शराब नहीं पीने दूंगी, उसके बाल नहीं कटने दूंगी। लेकिन उस समय वो लिखा कि यहोवा के सामने ऐसे प्रार्थना कर रही थी कि एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। कि क्या देख रहा था कि वो ये देख रहा था कि मंदिर में बहुत सारे लोग आते हैं, इसके बारे में लिखा कि एली उसके मुंह को देख रहा था। कौन है एली? एक प्रॉफिट उसके मुंह को देख रहा था। कब? कि मैंने बहुत सारे मंदिर में आते देखे लेकिन 10 मिनट की प्रार्थना करते और यूं करके चले जाते हैं, लेकिन ये जो प्रार्थना कर रही है तो उसी समय रो रही है, गिड़गिड़ा रही है। इसका मतलब इसकी 10 मिनट की प्रार्थना नहीं, घंटों घंटों प्रार्थना कर रही है, और इसके होठों से भी मतलब कि समय रोना आ रहा है, और ये देख रही और ये कह रही है कि समय में परमेश्वर मेरी मदद कर, ये मुझे चिढ़ा रही है। हो सकता है कि ये प्रार्थना में ये कह रही हो कि परमेश्वर या तो मेरी सोतन को, दो बातें वो कह रही होगी शुरू में जब उसने प्रार्थना करना स्टार्ट किया, उसने कहा परमेश्वर के या तो मेरी सोतन को उठा ले, इसको मार दे, या फिर वो कह सकती थी कि परमेश्वर या फिर मुझे बच्चा दे दे, तो मतलब दोनों बातें कर रही थी, परमेश्वर या फिर इसको उठा ले या फिर से मेरे जीवन से दूर कर, लेकिन ये स्टॉप कर, ये मेरे को जलाती है। आज हम सब लोग क्या करते हैं जब हमारी लाइफ में कोई हमें बदनाम करता है कि तू चढ़ जाता है, तुझे क्या मिला, तुझे बच्चा नहीं मिला, तुझे घर नहीं मिला, गाड़ी नहीं मिला, तुझे पैसा नहीं मिला, हम इस बात की खोज में नहीं आए, कि बात को याद रखना, हम स्वर्ग की शांति की खोज में आए। तो परमेश्वर का आत्मा कहता है जितना आप, कहता बाइबल समझाती है कि जितना आप इन चीजों के पीछे भागोगे उतना क्या होगा, वो आपसे दूर भागेंगे वो चीजें, लेकिन जितना आप परमेश्वर के सामने थैंक्स करना स्टार्ट करोगे तो उस समय में बहुत सारे लोग आपके जीवन में जब रखे होते हैं ऐसे तो आपको बुराई कर रहे होते हैं, नामदारी कर रहे होते हैं, हो सकता है आपका बाप हो, आपका परिवार हो, आपके जीवन में आपके दोस्त हो, दुश्मन हो, लेकिन आप उस समय कह रहे हैं या तो परमेश्वर इसको हटा ले या मेरी टेस्टिमनी बना दे, परमेश्वर उसको कभी नहीं हटाएगा, क्योंकि याद रखना परमेश्वर ने उसको आपके लिए रखा है कि वो आपको आपको बदनाम करे, वो आपको जेल्स आपसे जेलसी करे, वो आपको चिढ़ाए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि वो आपको चिढ़ाए, आपको जलन दे। आप कहेंगे प्रॉफिट आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन आपको वो चिढ़ाए, और ताकि परमेश्वर चाहता है आपकी प्रार्थना का लेवल यहाँ से यहाँ है। आप समझ रहे कि 5 मिनट की प्रार्थना से कुछ नहीं होने वाला, परमेश्वर 5 मिनट की प्रार्थना से संतुष्ट नहीं होने वाला, ये बात याद रखना। परमेश्वर का आत्मा आपको समझा रहा है। मैं कह रहा हूँ अगर आपको झूले में झूलने का या कार में बैठने का शौक है, जहाज में बैठने का शौक है, अगर आपको 5 मिनट को नीचे उतार दे तो आपको मजा ही आएगा, समझ में आएगा नहीं? तो इसका मतलब कि यहाँ पर इसके साथ परमेश्वर क्या चाहता था कि उसकी प्रेयर लाइफ बढ़े, और रिजल्ट क्या आया जब उस दिन से उसने अपनी प्रार्थना को बढ़ाया और उसी समय उसने परमेश्वर ने उसको बच्चा दिया और उसकी प्रेयर लाइफ बढ़ी उसके बाद। लेकिन एक काम और उसके साथ अच्छा हुआ, क्योंकि वो प्रॉफिट से मिली, और उसके साथ एक काम और अच्छा हुआ क्योंकि वो अनॉइंटिंग प्लेस की पहचान को जान गई थी कि अनॉइंटिंग प्लेस पर जाना पड़ता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी मैं एक फोटो दिखा रहा हूँ कि ये एक आदमी है, ये बेड पर पड़ा हुआ है, और ये मेरे चर्च से कहीं 150 किलोमीटर दूर रहता है, एक सरदार जी पंजाब में, और ये वहां से सुनकर स्पेशल वहां पर आए, और जब मैंने इनके हाथ सिर पर हाथ रखा तो इसकी हड्डियों में कड़कड़ाहट से की आवाज आई और ये बिस्तर से खड़ा हो गया, जो 8 साल से खड़ा ही हो रहा, और उसकी फैमिली देख रही है। मैं सिर्फ एक पोस्टर दिखा रहा हूँ आपको, तो समय में क्या आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो और ये आदमी एकदम से खड़ा हो गया, लेकिन रीजन क्या है, इसकी वाइफ को ये पता था जब मैं प्रॉफिट जी के वहां जाऊंगी, अनॉइंटिंग प्लेस पर गई, और
जब इसको देखा तो मुझे बाद में बताया लोगों ने कि ये सुबह से आई हुई है इसकी वाइफ और ये सुबह से रोई जा रही है प्रार्थना प्रार्थना, लोग गप्पे मार रहे थे चर्च में जाने के बाद, लेकिन ये प्रार्थना कर रही है, फैसला ले रही है और उसी समय परमेश्वर मैं अपना जीवन तुझे दूंगी। और पवित्र आत्मा ऐसे लोगों की जिंदगी में काम करता और ये बिस्तर से खड़ा हो गया, 8 साल से खड़ा नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ 10 मिनट की प्रार्थना से क्रिश्चियन बन सकते हैं याद रखना, लेकिन पर यीशु से कुछ हासिल नहीं कर सकते। आज बहुत सारे लोग कहते हैं हम क्रिश्चियन हैं, लेकिन शैतान चाहता है आपको के आपके बीच में कोई आपको चढ़ाने के लिए आए, आपको जेलसी करने के लिए, आपको बदनाम करने के लिए, कि आप डाउन होते हैं और प्रभु से प्रार्थना करना छोड़ दें, चल जाना छोड़ दें। लेकिन परमेश्वर ने आपको इसलिए उन लोगों के बीच में रखा है कि ताकि आप उन लोगों से निकल कर आप परमेश्वर के नजदीक आए। मतलब ये कई बार ऐसे लोग आपके लाइफ में इसलिए रखे जाते हैं कि ताकि आप परमेश्वर के नजदीक जाए और परमेश्वर से रिलेशन बनाए। को समझ में आ गया अनॉइंटिंग प्लेस पर जाना जरूरी है। आज बहुत सारे लोग दिल्ली से आते हैं मेरे पास, हमारे पास एक प्रीति नाम की एक लेडीज है, वो बेचारी अपने लिए नहीं वो लोगों के लिए आती है, गरीबों को लेकर किसी को लेकर अपना खर्चा भी करके उनको बस में लेकर आती है। मतलब इतनी दूर से दिल्ली से चंडीगढ़ आना 4 घंटे लगते हैं, तो वो सुबह निकलते हैं शाम को पहुंचते हैं और रात को निकलते हैं, तो अगले दिन पूरा दिन परमेश्वर के पास आते हैं। मतलब उनको अनॉइंटिंग प्लेस की पहचान और बहुत सारे लोग गवाहियां निकलती है, बहुत सारे लोगों की टेस्टिमनी आती है। मैं फिर उन लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपके जीवन में किसी ने ठेस पहुंचाई है तो वो ठेस पहुंचाने वाले लोगों के लिए आप जब तक थैंक्स नहीं करेंगे तब तक आपकी जिंदगियों से नहीं जाएगा। मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ ठेस पहुंचाने, अगर आपको ठेस किसी ने पहुंचाई है तो 4 काम आपको करने हैं। नंबर 1 लिख सकते हैं अनॉइंटिंग प्लेस को ढूंढना है, आपको परमेश्वर के अभिषिक्त प्लेस को ढूंढना है। नंबर 2 अनॉइंटिंग प्लेस वो जहाँ चंगाई होती है, ब्लेसिंग मिलती है आपको। नंबर 2 प्रार्थना के करने वालों के करीब जाना है, प्रार्थना करना है, प्रार्थना को बढ़ाना है आपको, ऐसे लोगों के साथ रहना है तो उसी समय परमेश्वर आपका फेवर करेगा। मैं कह रहा हूँ कि ठेस अगर आपको ठेस लग रही है किसी बात के लिए तो एक दिन परमेश्वर आपकी वो ठेस को दूर करेगा, टेस्टिमनी बनाएगा, नामधराई को दूर करेगा। लेकिन ये 4 काम करने हैं, उस पर भरोसा रखना है और करके चौथा थैंक्स करना उन लोगों का जो लोग आपके जीवन में आपकी बुराई करते हैं, थैंक्स करना उन लोगों का जो परमेश्वर को कहना परमेश्वर के थैंक्स हो तेरा ऐसे लोग मेरे जीवन में भेजने के लिए। लेकिन हम थैंक्स नहीं करते हैं, हम बोलते हैं परमेश्वर इसको हटा दे मेरे जीवन से, मेरी ताई मेरी बुराई करे हटा दे, जठानी को हटा दे, परमेश्वर इसको हटा, मेरे दुश्मन पे मेरे प्रकोप के कारण मेरा भाई मेरे खिलाफ हो गया, इसको हटा इसको सिखा। हम ऐसी प्रेरित करते हैं, परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता याद रखना, क्योंकि वो बोलता है कहता है कि तुम शत्रुओं से भी प्रेम करो। आज बहुत सारे लोग अपनों से प्रेम करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं, इसलिए आप ठेस पर ठेस देखते हैं, इसलिए आप निराशा देखते हैं, इसलिए आप अकेलापन देखते हैं अपने लाइफ में, इसलिए आपकी नामधराई होती है, क्योंकि आप कहते हैं हमेशा उस बात की चिंता में पड़े रहते हैं और आप हटते नहीं उस चिंता से। इसलिए परमेश्वर का आत्मा कहता है बाइबल में के 6 अध्याय में उसमें 31 में कि वो क्लियर बोलता है कि चिंता करके ये ना कहना क्या खाएंगे क्या पिएंगे। तो आप जितना चिंता करेंगे शैतान आपके नजदीक रहेगा, दूर नहीं जाएगा। आप जितना करेंगे परमेश्वर का थैंक्स करेंगे उतना वो आपके पास से जाने लगेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि बता दें इन लोगों को जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, याद रखना आपकी टेस्टिमनी आनी शुरू हो जाएंगी, जिन लोगों ने ठेस पहुंचाया है आपके लिए गवाही लेकर आएंगे वो यीशु मसीह के नाम में प्रेयर पर, क्योंकि आपका प्रेयर एक कैरियर बनाता है याद रखना। अगर आप प्रेयर करना सीखे ना, फिर कर 10 मिनट की प्रेयर से आप क्रिश्चियन बन सकते हैं, मसीहत बन सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से कोई बड़ी चीज हासिल नहीं कर सकते। अपनी प्रेयर लाइफ को बढ़ाओ क्योंकि प्रेयर आपका कैरियर बनाएगी। शरीर कहता है कि आप रीढ़ की हड्डी पर टिका हुआ है, आपकी प्रेयर रीढ़ की हड्डी की तरह है, मतलब आपका कैरियर प्रेयर के लिए प्रेयर के ऊपर टिका हुआ है। अगर आपने प्रेयर की तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, आप अपनी जिंदगी में कुछ बन जाएंगे, नहीं तो आप कुछ नहीं बन पाएंगे, आज कोशिश बेकार हो जाएंगी, कुछ भी नहीं हासिल होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ उल्टी प्रेयर करना बंद कर दो, प्रभु उनको हटा दे मेरी लाइफ से हटा दे, परमेश्वर कभी नहीं हटाने वाला। लेकिन मैं उन लोगों के बोल रहा हूँ आप तरक्की करेंगे इस वर्ष यीशु मसीह के नाम में, जितने ऑनलाइन समझ रहे हैं इन बातों के लिए आप ऐसे लोगों से लड़े नहीं, उनके लिए प्रार्थना करना और आपको तरक्की करना है, थैंक्स करना है कि प्रभु मेरे जीवन में ऐसे लोग भेजने के लिए धन्यवाद। मैं आपको बताता हूँ हो सकता है आपके मम्मी डैडी आपके बीच में रुकावट हो, आपको ताने मारते हैं, आपके दिल को ठेस पहुंचाते हो, क्या बोलेंगे उनको कि परमेश्वर मेरी बाप को उठा ले, मेरे बाप को उठा ले, नहीं बोले। मैं आपको मैं अपनी लाइफ से बता रहा हूँ कि मेरे डैडी मुझे ताने मारते थे, मुझे निकम्मा बोलते थे कि तू यीशु मसीह में आ गया लेकिन यीशु मसीह ने फिर भी तेरा कोई भला नहीं है, कोई टेस्ट नहीं बन रहा, 3 साल से तू रोटियां तोड़ रहा, मैं घर से निकल जाता
दोस्तों की मम्मी डैडी बोलते हैं 2 दिन से ज्यादा इंटरनेट ना क्यों रखा बस अपने घर पे चल वापिस। तो मैं कहाँ जाऊँ, मैं उसी समय फिर वापिस आता था और उसी समय फिर अपने डैडी की बातों को सुनता था। तो उसी समय और थोड़े दिन के बाद आपको बता रहा हूँ कि मैंने, क्योंकि मैं पहले ऐसा मसीहत था, प्रेयर 5 मिनट की होती, 10 मिनट की होती थी और मैं बाइबल पढ़ा और चला गया। लेकिन उस दिन के बाद जब मेरे डैडी ने मुझे ताने मारने शुरू किए, तो उसी समय मैंने उसके बाद प्रेयर मेरी लाइफ बढ़ी और मैं तरक्की करता चला गया, मेरे बाद परमेश्वर का अनुग्रह होता चला गया। और उसके बाद आज लोग मेरे से पूछते हैं आपकी कामयाबी का क्या राज है। मेरी कामयाबी का राज मैं उनको बताता हूँ कि सबसे पहले कि मेरे जीसस में आना मेरी कामयाबी है, यीशु मसीह ने को मैंने रिसीव करना, ग्रहण करना मेरे लिए कामयाबी है। दूसरी कामयाबी मेरी क्या है कि मेरा बाप कि वो मेरे को ताने मारता था, मतलब कि ऐसे लोग जिन्होंने मुझे बुराई की है, जिन्होंने मेरे खिलाफ बोला है, मैं उनका थैंक्स करता था परमेश्वर ये मेरे बाप मेरे जीवन में है तो मैं प्रार्थना करने जाता हूँ थैंक्स। लेकिन आजकल लोग बोलते हैं कि मेरी कामयाबी का राज मेरे मम्मी डैडी हैं, मुझे फिल्म स्टार बनाया, मुझे एक्टर बनाया, उन्होंने पैसे खर्च किए, मुझे आईएएस अफसर बनाया, लोग ऐसा बोलते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ठीक है उन्होंने आपके लिए मेहनत किया, लेकिन आप अपनों से प्यार कर रहे हैं इसका मतलब दूसरों से प्यार नहीं है। इसके अंदर आपको कह रहा है कि अगर कोई ठेस पहुंचा रहा है तो आपको कहना है कि आपको कहना है परमेश्वर कि मैं थैंक्स करता हूँ ऐसे लोगों का कि परमेश्वर जो तूने मेरे लिए रखे हैं, जो मुझे मेरी निंदा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, मैं गली से निकलता हूँ लोग बोलते हैं जो ईसाई जा रहा, तो इसी समय मैं कहता था परमेश्वर थैंक्स कि मैं अब तेरे पास जाऊंगा। तो उसी समय शैतान तंग करता था, प्रॉब्लम डालता था, तो उसी समय बोलता था थैंक्स, मेरे हाथ से गिलास भी टूट जाता था, तो उस समय मैं बहुत शैतान को थैंक्स करता था, मैं बोलता था थैंक्स तूने मुझे बता दिया कि मुझे प्रेयर टाइम में जाना है। जब मेरा नुकसान होता, आंख फड़कती थी, तो उसी समय बोलता था मैं थैंक्स शैतान तेरा कि तूने मुझे बता दिया कि मुझे अब प्रार्थना में टाइम बिताना है, मुझे मेरा प्रार्थना का टाइम हो गया। मेरे घर में जब कोई नुकसान होता, झगड़े होते, या फिर कोई आपस में कोई मम्मी डैडी मुझे डांटते या मेरे दोस्त मेरे से चिढ़ जाते, तो उसी समय मुझे मैं बोलता था थैंक्स शैतान तेरा, क्योंकि मुझे मालूम था शैतान मेरे ऊपर प्रॉब्लम डाल रहा है, लेकिन मैं बोलता था थैंक्स तेरा कि मुझे अब इस समय मेरा टाइम हो गया प्रार्थना करने का। कई बार हमें परमेश्वर सिखाता है, तो हमें डरना नहीं चाहिए। ऐसे लोग आपकी जिंदगी में अगर नहीं है, मैं कह रहा हूँ आपकी तरक्की भी हो सकती है, आप बड़े आदमी भी बन सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई आपकी बुराई नहीं करता, आपको ताने नहीं मारता, आपके माँ बाप आपको ताने नहीं मारते, अगर आपके दोस्त आपको नहीं बोलते, अगर आप चल जाते हैं तो आपके कोई भी अगर आपको आपके साथ बुराई नहीं करता, जो आपसे जलता नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ आप बड़े आदमी कभी नहीं बन सकते। क्या कह रहे हैं प्रॉफिट, आप सही कह रहा हूँ कि आप बड़े आदमी नहीं बन सकते। किसी ना किसी पीछे किसी व्यक्ति का हाथ होता है कि वो उसको पुश कर देते हैं। हन्ना को बच्चा मिलने का कारण यही था, क्योंकि उससे पहले उसको बच्चा क्यों नहीं मिला, क्योंकि हन्ना वहां पर कह रहे देख रही थी कि उसकी लोग बुराई कर रहे हैं, उसके बारे में बोल रहे हैं, लेकिन वो चुपचाप जाती थी और उसको कोई उसकी सेहत पर असर नहीं था। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन उस समय में हन्ना ने देखा जब इसे चिढ़ाना शुरू कर दिया, बुराई करनी शुरू कर दी, तो बड़ी परेशान हुई। और उसी समय उसने उस दिन से परमेश्वर के सामने ऐसे रोई, ऐसे गिड़गिड़ाई, और परमेश्वर 10 मिनट की बजाय घंटों घंटों की प्रार्थना का उत्तर उसको मिलने लगा। मैं कह रहा हूँ आज आपकी जिंदगी में अगर कोई ताने मारने वाले हो और आप टाइम पास कर रहे हैं लोगों के पास जाकर, अगर आप रो रहे हैं तकी पर सिर रखकर और आंसू बहा रहे हैं बस और सुबह उठ जाते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में बड़ा आदमी आपको कभी नहीं बनाएगा, क्योंकि उसने आपकी लाइफ में कोई रखा है। भजन से काम देखते उसके 71 के 21 में देखते इंग्लिश में साम चैप्टर में कि वहां लिखा दाऊद क्या बोल रहा है, दाऊद कह रहा है तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा। इसका मतलब दाऊद को मालूम है कि उसके खिलाफ लोग खड़े उसके खिलाफ बोल रहे हैं। दाऊद की तरक्की कब हुई, कब बोल रहा है दाऊद, क्योंकि शिम्मी जो है एक शिम्मी नाम का व्यक्ति जो शाऊल का रिश्तेदार था, वो क्या कर रहा था, वो ताने मार रहा था, क्योंकि दाऊद का राजपाट उसके बच्चों ने छीन लिया। जब वो पहाड़ी पर जा रहा था जंगल में, तो उस समय वो सामने खड़ा हुआ उसके ऊपर मिट्टी फेंक रहा है, थूक रहा है, ताने मार रहा है और निंदा कर रहा है, चुगली कर रहा है और बोल रहा है कि अच्छा देखा ना तेरे साथ क्या हुआ, कहता पता लग गया ना बड़ा राजा बनने जा रहा था, हो सकता है आपको कह रहे हो कि आज ये सफर बनने जा रहा था, हो गया ना नंबर रह गया ना, लड़की का मेडिकल में बड़ा नाम करना चाहती थी, ACMC में एडमिशन लेना चाहती थी, अरे कोई IAS अफसर बनना चाहता था, पायलट बनना चाहती थी, गई थी ना ACMC के पास, कुछ नहीं हुआ तेरा नंबर रह गया, लोग ताने मारेंगे आपको, लेकिन हो सकता है आपको कोई काम रह गया हो और लोग ताने मार रहे हो, परमेश्वर ने इसलिए उन्हें दिया कि ताकि आप इस पोस्ट पर नहीं एक बड़ी पोस्ट पर खड़े हो, आप बता सकें कि मेरी मदद करने वाला कोई और नहीं, मेरा पैसा नहीं, मेरे माँ बाप नहीं, मेरी मदद करने वाला मेरा परमेश्वर, मेरी सिफारिश जो है मेरा परमेश्वर है। पौलुस और पत्रस बोलते हैं मेरी सिफारिश तो मेरा परमेश्वर है,
तो आपको इन दिनों में अगर आपको परमेश्वर आप आए और आप बढ़ के चले गए, आपको बढ़ गए तो आपको पता कैसा लग गया मेरी तरक्की किसने की है। इसलिए कई बार परमेश्वर कुछ काम लेट करता है। दाऊद के जीवन में जब राजपाट छीन गया तो उसकी बुराई करने लगा, और उसी समय शिम भी उसकी बुराई करता था, तो उसी समय सैनिक उसको मारना चाहते थे, लियो कहते थे दाऊद हम इसकी गर्दन उड़ा देंगे, लेकिन दाऊद ने कहा नहीं, कहता है परमेश्वर ने इसको श्राप देने के लिए रखा है, इसको मुझे तकलीफ देने के लिए रखा है, इसको दाऊद को मालूम है परमेश्वर ने इसको भेजा है कि मुझे ठेस पहुंचाए, मेरे मुझे ताने मारे कि ताकि मैं सीखूं इस बात से और मैं जाऊं और परमेश्वर के सामने और ज्यादा प्रार्थना करूं। तो उसी समय उसने अपनी जो प्रेयर लाइफ थी, जो उसकी 10 मिनट की प्रेयर थी दाऊद की, हो सकता है 30 मिनट की थी, लेकिन उसने अपनी प्रेयर लाइफ को बढ़ाया। उसका जब प्रेयर लाइफ का लेवल बढ़ा, वो फिर से राजपाट में आया और वही शिमी उसके सामने सबसे पहले सलाम करने के लिए आया। मैं कह रहा हूं, जो लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, जो लोग आप पर ताने मार रहे हैं, अगर आपने प्रार्थना का लेवल बढ़ा लिया तो याद रखना आपने अनॉइंटिंग प्लेस की पहचान कर लिया, चर्च जाना नहीं छोड़ा। मैं कह रहा हूँ कि और आपने ब्रांचों में जाना नहीं छोड़ा, आपने इस बात को समझ लिया कि परमेश्वर जो कह रहा है कि आज से मैं समझ गया हूँ पवित्र आत्मा कि मुझे अपने थैंक्स करना उन बातों का, अगर मेरी जिंदगी में कोई घटी आ रही है, परेशानी आ रही है, क्योंकि शैतान को हराने का तरीका सिर्फ एक ही, वो है थैंक्स, कि परमेश्वर धन्यवाद हो आज जो मेरे पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ, धन्यवाद हो। आप परमेश्वर को बोलते हैं धन्यवाद हो, आपको शैतान को भी धन्यवाद देना है, धन्यवाद तुमने मुझे बता दिया कि रोना नहीं, मुझे अब प्रार्थना देना है। तो उसी समय शैतान वहां से भागने लगेगा, हटने लगेगा, आपकी लाइफ में बढ़ोतरी होने लगेगी। मैं कह रहा हूँ कि एक दिन आएगा, अगर दाऊद का राजपाट दाऊद के हालात बदल सकते हैं तो आपके हालात भी बदलेंगे, लेकिन दाऊद अपने हालात बदलने जानता था क्योंकि वो प्रार्थना करने वाला योद्धा था, और शैतान प्रार्थना करने वाले योद्धा से डरता है। और समय फिर से मैं कह रहा हूँ आपके हालात बदलेंगे अगर आपने प्रार्थना का लेवल बढ़ाया। जो मुझे यूपी उड़ीसा से छत्तीसगढ़ से राजस्थान से पंजाब से हरियाणा से सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा आपकी भविष्यवाणी कर रहा है, महाराष्ट्र से गुजरात से मुझे देख रहे हैं हैदराबाद से, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज की बात कहता तुम्हारे हालात बदलेंगे, वही लोग आपको सलाम करने के लिए पूछने के लिए आएंगे, यार तेरी नौकरी कैसे लग गया, तेरी प्रोग्रेस कैसे हो गया, बोलना कह रहा मेरी समझ में आ गया था, मैंने प्रचार सुना था। आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आएगी अगर आपने थैंक्स देना शुरू कर दिया। बस आपको फैसला लेना है कि रिजल्ट मेरा खुदा देगा, बस अगर आपको ठेस पहुंचाइए किसी ने तो आपको उस समय निराश ना, बस आपको अपने हाथों को उठाओ, बोलो थैंक्स परमेश्वर तेरा, ऐसे लोगों को मेरी जिंदगी में भेजने के लिए, मेरी प्रेयर लाइफ बढ़ाने के लिए परमेश्वर, क्या मुझे समझ में आ गया कि मुझे अपनी प्रेयर लाइफ में टाइम देना है। 52 दिन के अंदर भविष्यवाणी कर रहा हूँ, जिसके नाम GJNRSPKLT से कहता है गुड न्यूज देखोगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। एक पेड़ दिखा रहा हूँ आपको, एक पेड़ देखो आप, इस पर आम के पेड़ लगे हैं। अगर आप कहता है कोई बुराई नहीं करता, मैं कह रहा हूँ आपकी प्रमोशन भी नहीं हो सकती। कहता लोग उसकी बुराई करते हैं जिसके फल उस पर लगते हैं, याद रखना जिस पेड़ पर फल लगते हैं लोग उसी पर पत्थर मारते हैं। देखो कितने सारे लोग पत्थर मारने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो क्या है, फल लग रहे हैं, आपके अंदर कुछ है, इसलिए शैतान आपको परेशान कर रहा है। डरने की जरूरत नहीं, आप कहते हैं कि मैं चर्च भी जाता हूँ, हाँ अगर आप आत्मिक नहीं है तो आपका कभी भी कोई भला नहीं होने वाला, लेकिन उन लोगों की जिंदगी में जब आप आत्मिक होकर चलते हैं, देखो हो सकता है आपके पास आसपास बहुत सारे लोग, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार आपको तोड़ना चाहते हो, ठेस पहुंचाना चाहते हो, आपके ऊपर पत्थर मार रहे हो, कह रहे हो कि क्या मिला तेरे यीशु मसीह से, तेरी बीमारी नहीं गया, घर नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे घर पर एक जज की वाइफ आती थी और एक सरकारी वकील की वाइफ आती थी, आज से 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ। और वो बेचारी बोलती थी कि मेरे रिश्तेदार मेरे परिवार के लोग बोलते हैं मुझे ताने मारते हैं, इसलिए मैं चर्च में नहीं आ सकती, लाइव में नहीं आ सकती, मेरे लिए प्रेयर करो। तो वो स्पेशल मेरे घर पर आई हो तो उसे मैंने 3 साल पहले एनॉइंटिंग वाटर ऑयल दिया और प्रेयर करना शुरू किया। तो उसी समय उसके लिए प्रेयर किया, लेकिन और 3 साल के बाद तो उसकी डायलिसिस चल रही थी, किडनी और प्रॉब्लम हो गया था। तो उसी समय के मैंने सोचा कि वो औरत ने छोड़ दिया होगा, अब चली गई होगी, चलो ठीक है, पता नहीं आई कि नहीं आई, लेकिन वो औरत छुप के लाइव देखती रही, वो थैंक्स करती रही परमेश्वर का। और मैं आज इतना खुश हूँ कि वो लेडीज आज कल वो मेरे घर पर आई और उसने आकर बताया कि मैं गिफ्ट लेकर आई हूँ, कहती कि प्रॉफिट जी मैं आपका एंटीबायोटिक ऑयल यूज करती रही और 3 साल से मेरी किडनी डायलिसिस पर थी, और कहती कि देखो मिराकल हो गया, मिराकल, कहती अब मैं बिल्कुल ठीक हो, कुछ भी नहीं है मेरे अंदर। तो इसी समय मैं परमेश्वर का थैंक्स करती हूँ, मतलब देखो कहती मैं बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हूँ। तो कारण रीजन क्या है, कहते हैं कि जिस औरत ने जिस आदमी ने ठान लिया कि चाहे मुझे ठेस लगे, निराशा और लोग ताने मारे, कुछ भी करें, क्योंकि मेरे अंदर कुछ है,
मेरे अंदर कुछ बात है, लोग उसी की बुराई करते हैं जिसके अंदर कुछ हो, लोग उसी से सड़ते हैं जिसके अंदर कुछ हो, सामने वाली दुकान चल रही है तो इसका मतलब कुछ होगा उसके पल्ले, तभी तुम जल रहे हो उससे, आप समझ में आएंगे नहीं इसका मतलब। तो आपको इस बात पर विश्वास करना है कि आपके अंदर कोई है जो जिसका नाम यीशु मसीह है, उसकी पावर आपके अंदर बैठी है। इसलिए शैतान आपसे डरता है क्योंकि आप प्रेम योद्धा हो, जो प्रेम योद्धा होगा उसकी प्रमोशन करने के लिए स्वर्गदूत भेजे जाते हैं। और जब आप अपनी प्रार्थना बढ़ाएंगे, अपने संघर्ष कहता है संघर्ष कर रहे हैं लाइफ में, आपको अपने आप को दृढ़ करना है कहता है, जब आप दृढ़ करते हैं तो शैतान ऐसे लोगों से डरता है और उसी समय डरता है और हार जाता है और उसी समय उनका पीछा छोड़ देता है। लेकिन आपको बिलीव करना है कि अभी समय परमेश्वर में आज से ये बढ़ता चला जाऊंगा और अपनी आशीषों को देखूंगा। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ कि पवित्र आत्मा उन लोगों को बढ़ाना चाहता है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में कुछ काम करे तो आपको ये चीज सीखनी है, आपको हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर कि मैं ऐसे लोगों के लिए तेरा थैंक्स करता हूँ जो तूने मेरी लाइफ में रखे। हम देखते हैं मत्ती की किताब में 20:30 और 31 में, मैथ्यू चैप्टर में उसके 20 और 31 में एक जगह पर लिखा करके अंधे को सड़क के किनारे पर बिठा दिया। देखो मैं इसी पॉइंट से आपको चार बातें समझा रहा हूँ। अंधे को सड़क के किनारे पर बिठाया, एक अंधा था और दो अंधों को लेकर पकड़कर उनको सड़क के किनारे बिठा दिया। क्यों हो सकता है उस आदमी ने इसलिए बिठाया क्योंकि उसके घर की शोभा खराब हो रही थी क्योंकि वो भीख मांगता था। हो सकता है वो अपनी शोरूम के सामने से उठाकर उसको सड़क पर बिठा दिया, कहता अंदर से हट जा, कहता ये ले, या फिर किसी ने सुसमाचार सुनाया उसको बिठा दिया। लेकिन बैठने का मतलब क्या था, वो बैठ गया वहां पर और जब अंधा वहां पर बैठा हुआ था तो उसी समय तो लोग उसे डांट रहे थे। उसकी 5 मिनट की प्रेयर थी, उससे पहले उसकी 5 मिनट की प्रेयर थी, वो चीख रहा था 5 मिनट की प्रेयर में, थोड़ा चीख रहा था दाऊद की संतान मुझ पर दया करना दया करना। लेकिन उसी समय जब लोगों ने उसे डांटना चाहा तो लिखा कि वो चिल्लाने लगा और जोर से चिल्लाने लगा। जब वो चिल्ला रहा था तो उसी समय और लोगों ने आकर कहा कह रहे वो देख यीशु मसीह निकल गया वहां से, तेरी तरफ तो देखा भी नहीं। इसका मतलब उसको चिढ़ा रहे थे, ताने मार रहे थे, लेकिन वो अपना दम दिखा रहा था और प्रार्थना करता जा रहा था। और परमेश्वर उसी समय यीशु मसीह को बुला के प्रकट कर जा और उसी समय उसने कहा कौन है जो इतनी देर से चिल्ला, इतनी देर से चिल्ला रहा है। इसको बड़े को ध्यान से सुनना, इतनी देर से चिल्ला रहा है तो इसका मतलब परमेश्वर की आत्मा ने उसकी जिंदगी में वो काम करना स्टार्ट कर दिया। कब, कहता है जब वो इतनी देर से चला था। इसका मतलब 5 मिनट से चला रहा था परमेश्वर उसके पास नहीं आएगा। याद रखना अगर आप 10 मिनट की प्रार्थना करते हो और अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हैं, आप कहते हैं मेरी चंगा हो जाऊं, मेरा घर बन जाए, मेरी गाड़ी आ जाए, मेरी जॉब लग जाए, तो शायद काफी टाइम लगेगा। तो मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ कि आपको विश्वास करना है तो आपको पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग देना चाहता है, आपके लिए आपको बढ़ाना चाहता है, आपको ब्लेस करना चाहता है। आपको इस समय रिसीव करना है इस बात पर कि अंधे को यीशु मसीह ने आकर चंगा क्यों किया। बोलता है तुमको इतनी देर से कौन है जो चिल्ला रहा है, कौन है जो चिल्ला रहा है, कौन प्रेयर कर रहा है इतनी देर से। यीशु मसीह पलट कर आएगा आपके लिए, आ सकता है आज रात को आपके लिए पलट कर, वो आपको चंगा करने के लिए आएगा, ब्लेसिंग देने के लिए आएगा, हर काम आपके खोलने के लिए आएगा। लेकिन आपने प्रेयर लाइफ को बढ़ाना है। और अंधे को चंगाई मिलने का कारण क्या था, यीशु मसीह ने आकर हाथ रखा और अंधा देखने लगा। उसको चंगाई मिलने का कारण यह था क्योंकि वो दूर से आया था। और दूसरी बात क्या था कि वो अनॉइंटिंग प्लेस पर बैठा था, नंबर उसको पहचान हुई थी अनॉइंटिंग प्लेस पर कि यहाँ से यीशु मसीह जाने वाला है। और लोग उसको हटाने की कोशिश कर रहे थे, बुराई कर रहे थे, ठेस पहुंचा रहे थे, निंदा कर रहे थे, चुगली कर रहे थे, लेकिन वो उनको समझ में आ गया था मैं अनॉइंटिंग प्लेस पर बैठा हूँ, मैं अपने प्रार्थना के लेवल को इनके कारण जो लोग मुझे ताने मार रहे मैं चढ़ जाना बंद नहीं करूंगा, मैं प्रार्थना करना बंद नहीं करूंगा। और वो थैंक्स करने लगा। परमेश्वर कहता है मैं थैंक्स करता हूँ लोगों का भी जो मुझे छोड़ कर गए, थैंक्स करता हूँ लोगों का भी जो मुझे ताने मार रहे हैं, जो मुझे हटाना चाहते हैं यहाँ से, कहता है ताकि मैं अपने प्रेयर लाइफ को बढ़ाऊं। और परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम करना शुरू कर दिया। याद रखना आपकी भी गवाही आज के बाद आनी शुरू हो जाएगी। मैं एक और गवाही दिखा रहा हूँ, एक लड़की की और आंखें देखो आप ब्लाइंड थी, टोटल ब्लाइंड। एक और फोटो दिखा रहा हूँ, पिछले संडे की बात है कि वो आती है राजस्थान से, एक यूपी से आई और उसी समय क्या हुआ कि ब्लाइंड थी, कितनी दूर से आई और मेरे चर्च में आकर प्रार्थना करने लगे, उसकी माँ कब से बैठी है और परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम किया। उसकी आंखें देखो वाइट है, चिट्टा है, बिल्कुल नहीं देख पाई, दोनों आंखों से ब्लाइंड है और परमेश्वर ने अद्भुत काम कर दिया और वो देखने लगी। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर परमेश्वर ने आशीष दिया। और एक सुनीता नाम की एक लेडीज थी, 18 साल से उसके पास बच्चा नहीं था, वो बॉम्बे से मेरे पास आज से काफी साल पहले 4-5 साल पहले वो चंडीगढ़ चर्च में आए। और उसी समय वो कहती कि मैंने ये प्लेस देखा है, मुझे मैंने गवाहियां सुनी, मुझे विश्वास है, मुझे यहीं से चंगाई मिली। और 18 साल के बाद
बाद पवित्र आत्मा ने मतलब उसको ब्लेसिंग दिया। 18 साल से वो एक पानपन में थी, एक शराब में थी, और जैसे ही वो चर्च में ही प्रेयर कराई, 20 मटर ऑयल लगाया, गुड न्यूज मतलब लोगों के ताने खारी थी, हो सकता है अपनों की ठेस खारी थी, लेकिन परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम करना शुरू कर दिया। मैं उन लोगों को बता रहा हूँ कि वो आज गवाही देती फिरती है कि परमेश्वर ने मुझे प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिस्ट्री से ब्लेस किया। लेकिन वो बॉम्बे से वहां आना, आपको पता है 4 संडे में आना कितना टाइम लगता है, 4 संडे भी लगातार आती थी, हमेशा वहां रहती भी थी। तो परमेश्वर ने आपको ये नहीं देखना कि आप कितनी दूर रहते हैं, आप कितनी दूर पर जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप जहां जाएंगे आप ब्लेसिंग को पाएंगे। परमेश्वर का आत्मा ब्लेसिंग देगा। उसको परमेश्वर ने बेटा दिया, सिर्फ 1 साल उसने इंतजार किया, लेकिन 20वें साल में उसको बेटा हो गया। तो परमेश्वर ने आशीष दिया। मैं कह रहा हूँ कि आप के ऊपर कैसा भी बंधन क्यों ना हो, लेकिन आज वो टूट जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम। बस आपको बिलीव करना है कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में बड़ा काम कर सकता है। नीति वचन 20:21 में जब हम पढ़ते तो देखो क्या लिखा, कुछ लोग प्रभु पर भरोसा करते हैं पर जल्दी मिल जाए, जल्दी जल्दबाजी करते हैं कि परमेश्वर मुझे आज ही मिल जाए, आज ही मिल जाए। लेकिन यहाँ नीति वचन समझा रहा है, जो भार उतावली से मिल जाता है उसमें अंत में आशीष नहीं रहती। उसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा कि जैसे आज बहुत सारे लोगों को जब ताने मिलते हैं लड़के लड़कियों को, तो वो क्या करते हैं, ताने खा रहे हैं माँ बाप के या लोगों के ताने खा रहे हैं, मेरी शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, और इसी समय भाग कर दौड़ कर किसी के साथ शादी कर लेते हैं। तो इसी समय क्या हो रहा है मतलब, और बाद में एक लड़की का तलाक हो गया, कारण क्योंकि उसने अपनी मर्जी से दौड़ कर शादी कर ली। मतलब फिर कह रहा हूँ परमेश्वर पर भरोसा करता, प्रार्थना नहीं किया परमेश्वर से। मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कहता है कि आप डिग्री लेना चाहते हैं, आपने डिग्री किया हुआ, लेकिन आपको कहता है परमेश्वर पे भरोसा नहीं, लोग आपको ताने मार रहे हैं, आपके माँ बाप ताने मार रहे हैं, और आप कनाडा चले गए, और कनाडा से वहां से मेरे पास फोन आते हैं, वहां से मैं खा कर वापिस आ गया, कोई काम नहीं बना। मतलब अमेरिका गया, अमेरिका से वापिस आ गया, कोई काम नहीं बना। इटली गया, कोई काम नहीं बना। मतलब की करें अंत में आशीष रहती, उतावली से जो भाग मिलता है आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप कहता है कि विश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर पर भरोसा रखें कि परमेश्वर ने तो मेरी जिंदगी में काम करेगा और मुझे आशीष देगा। अगर अपने हाथों को उठाकर कहो कि परमेश्वर मैं समझ गया हूँ कि मेरी लाइफ में कहते हैं कि परमेश्वर मुझे अपने आप को दृढ़ करने के लिए, मुझे मोल्ड करने के लिए, मुझे ब्लेस करने के लिए, मेरी प्रेयर लाइफ को बढ़ाने के लिए आपने ऐसे लोगों को मेरे जीवन में भेजा, मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, मैं तेरे टाइम का इंतजार करूंगा। क्योंकि पहला पत्रस 5:6 में लिखा कि परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र और दीन कर दो, उसके हाथ के नीचे रहो, कहता है राइट टाइम आने पर मतलब समय आने पर वो आपको बढ़ाएगा और आपको तरक्की देगा, आपके जीवन में वो करेगा जो आपने अब तक नहीं किया। मैं उन लोगों के लिए फिर बोल रहा हूँ कि हो सकता है आपका आपके हाथ से गिलास टूट रहा हो, आपके हाथ से कोई ब्लेसिंग छूट रही हो, लेकिन विश्वास करना आज रात पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में कुछ करना चाहता है और आपको आशीष देना चाहता है। प्रार्थना करने वाले के साथ बस आपको दुश्मन नहीं रखना, कहता है कि आपको ऐसे लोगों से दुश्मन रखना, अगर आपका काम नहीं बन रहा तो आप वेट करें, परमेश्वर आपके कामों को बनाएगा। हम देखते हैं जेनेसिस चैप्टर में उत्पत्ति में उसके 37:28 में देखो क्या लिखा, लिखा वहां पर लिखा कि उसके भाइयों ने उसको खट्टे में डाल दिया, यूसुफ के भाइयों ने जब उसको खट्टे में डाला, और उसके बाद कह रहा है उसके एक भाई ने उसको कहा, कहता है कि इसको खट्टे में से निकालो, मार के क्या फायदा है, तो हमारा भाई, लेकिन कहता है कि इसको हम विदानियों के हाथ भेज देते हैं, मिश्रियों के हाथ भेज देते हैं, और उससे उन्होंने क्या किया उसके हाथ भेज दिया। लेकिन उस समय यूसुफ को कितनी ठेस लगी होगी कि यार मेरे भाई मेरे दुश्मन बन गए, हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो, आप ही के भाई ने आपके ऊपर केस कर दिया, हो सकता है आप ही की फैमिली के लोग, आप ही के पड़ोस के लोग, आपके मोहल्ले के लोगों ने आपके ऊपर केस कर दिया, आपने भलाई किया लेकिन उन्होंने आपके साथ बुराई कर दिया। लेकिन पवित्र आत्मा आज रात आपसे कह रहे हैं कि आपको ठेस लग रही है और आपके जीवन में ऐसे लोग हो और आप कह रहे हो कि परमेश्वर इसको हटा, यूसुफ भी कह सकता था कि परमेश्वर इन भाइयों को सजा देना, इनको ऐसे करना वैसे करना, लेकिन यूसुफ ने कहा थैंक्स परमेश्वर कि मेरे जीवन में तो नहीं मेरे भाई रखे, इसका मतलब कोई मेरी बड़ी प्रमोशन होने वाली है, क्योंकि इन्होंने जो मुझे बेचा है तो इसका मतलब यह है कि मैं कोई ऐसे स्थान पर जा रहा हूँ जहां परमेश्वर तो मेरी तरक्की करना चाहता है। कई बार आपके अगर आपको उठाकर परमेश्वर ने कहीं और भेज दिया, आपको हो सकता है आपकी ट्रांसफर हो गई है, हो सकता है कि आप कहीं और उसी देश में चले गए, तो परमेश्वर आपको लेकर गया, डोंट वरी, घबराना नहीं। मैं कह रहा हूँ कि आपके रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, आपके परिवार ने छोड़ दिया, आपकी नौकरी चली गई है, आपका घर नहीं बना, आपके बच्चे का साल नंबर नहीं आया, हो सकता है आप टूटे हुए हो, निराश हो, आपको ठेस पहुंच रही हो कि यार परमेश्वर से इतनी प्रार्थना किया मेरा कोई काम नहीं बना। तो पवित्र आत्मा आप लोगों से कह रहा है मेरा बेटा मेरी बेटे सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल, निराश ना हो बेटी, वो कह रहे हैं कि अगर तेरा एडमिशन इस बार नहीं हुआ अगली बार जरूर होगा।
परमेश्वर आत्मा कह रहा है कि जाल डाल, फिर से जाल डाल, प्रार्थना कर तू। परमेश्वर का आत्मा रात आपकी जिंदगी में वो करना चाहता है जो आज तक नहीं हुआ, जो समय निराश है कि मैंने बहुत लोन ट्राई किया, गवर्नमेंट जॉब किया, लेकिन मुझे कुछ मिल नहीं रहा। इसका मतलब आप परमेश्वर से बेहतर नहीं जानते, आप इंसान आपको बेहतर नहीं बनाएगा, परमेश्वर आपको बेहतर बनाना चाहता है। वो आपको कोई एक अच्छे लेवल पर लेकर जाना चाहता है। हो सकता है अगर आप कोई बहुत बड़े कुछ बन सके। देखो मैं अपनी लाइफ से बताता हूँ कि मैं अपनी लाइफ में एक इंजीनियर बनना चाहता था, मैकेनिकल इंजीनियर मैंने किया, फ्लॉप हो गया। मैं फौज की नौकरी में जाना चाहता था, काम करना चाहता था, फ्लॉप हो गया। नौकरी भी मैंने किया, प्लाई बोर्ड का बिजनेस करना चाहता था, फ्लॉप हो गया। मैंने फिर फॉरन भेजने का काम शुरू किया, लेकिन वहां भी फ्लॉप हो गया। फॉरन जाना चाहता था, कोई भी जाने का, फ्लॉप हो गया। लेकिन उसके बाद भी मैं आशीष में नहीं रहा, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बोल्ड किया और मैंने कहा परमेश्वर मैं मिट्टी, मैं तो एक बर्तन और जिसमें कुमार तू है और तू मुझे जो बनाना चाहता है बना। जैसी तेरी इच्छा स्वर में पूरी होती है, ये प्रार्थना अपना पॉइंट लिख लो आप, जैसी तेरी इच्छा स्वर में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो परमेश्वर। प्रभु जो आप बनाना चाहते हैं आप बनाए। तो उसी समय परमेश्वर ने उस दिन से मेरी जिंदगी में आकार देना शुरू कर दिया। आप ये नहीं कह सकते कुमार को कि मैं चम्मच, ये नहीं कह सकता कि तू मुझे चम्मच बना या कटोरी बना या मुझे बाल्टी बना। आप ये कहते हैं कि परमेश्वर मुझे इंजीनियर, ठीक है आप अपनी प्रेयर में रख सकते हैं अपनी डिमांड को, लेकिन पवित्र आत्मा से आप बात करें। मैं कह रहा हूँ कि आज रात के बाद एक बड़ा काम आपका होने वाला है यीशु मसीह के नाम। लेकिन परमेश्वर ने उन लोगों के लिए जिनको ताने लगते हैं, जिनको प्रॉब्लम है, जिनको डिफिकल्टी है लाइफ के अंदर, पवित्र आत्मा उनसे बात कर रहा है और उनको आशीष दे रहा है। वो कह रहा है कि आज रात आपकी जिंदगी में वो होगा, आपने भीतर से पैसे लगाए लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुए। जल्दबाजी ना करो, वेट करो, आपको जो परमेश्वर ने दिया है उसमें कोई बड़ा काम होने वाला है, बड़ा काम। बस आपको क्या करना है, अपनी लाइफ में प्रेयर लाइफ को बढ़ा देना और थैंक्स करना आने वाली परेशानियों का। जब ऐसी आप करेंगे तो उसी समय यूसुफ जो है अपनी जीवन में थैंक्स करता चला गया। यूसुफ ने थैंक्स किया जब उसके भाइयों ने उसको खड्डे में डाला, नहीं तो बाहर निकलते वो थप्पड़ मार करता था। लेकिन उसी समय उसने थैंक्स किया जब मिस्र के हाथ भेज दिया गया, जब वो पोतीपर के घर में गया उसने थैंक्स किया, एक रानी के महल में पहुंचा वहां थैंक्स किया, रानी ने उस पर इल्जाम लगाया जेल गया उसने थैंक्स किया परमेश्वर का। मैं कह रहा हूँ साथ साथ उसने शैतान का भी थैंक्स किया, उसने कहा थैंक्स तेरा, कहता है कि तूने मुझे याद करा दिया कि तुम जिस समय प्रार्थना करनी चाहिए। उसने प्रार्थना पर जोर दिया और उसने अपनी लाइफ में पवित्रता ही पर जोर दिया। और परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने उसको अपने ड्रीम दिखाए, दर्शन दिखाए थे जो उसके साथ वो चलता था। मैं कह रहा हूँ कि जो आपको सपने दिखा रहा है परमेश्वर, जो आपको आपके माँ बाप आपको दर्शन दिखा रहे, जो आपको परमेश्वर दर्शन दिखा रहे, जो आपको वचन से बता रहे, आपका स्पिरिचुअल फादर आपके सामने बैठा है और आपको बता रहा है। मैं कह रहा हूँ आप विश्वास के साथ चलते रहना, आपको घटी नहीं होगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन जरूर मिलेगा, आपको हल जरूर निकलेगा। डोंट वरी, आप प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर एक न एक दिन कहता है कि उन लोगों को आपके सामने भेजेगा जिन्होंने आपकी बुराई की है, बदनामी की है, जिन्होंने आपसे सवाल किए, क्वेश्चन किए, कहाँ क्या किया यीशु मसीह ने तेरा। मैं कह रहा हूँ एक दिन वो सलूट करेंगे, वो कहेंगे यार वाकई तो क्या बन गया आज, मेरे लोग मुझे बोलते हैं, कहते देखो जहाँ आप जाते हो कहते हैं कि परमेश्वर कितनी बड़ी भीड़ ले आता है, और जहाँ आप जाते हो कहते हैं मेरी सेहत पहले को इतने सालों के लिए, लेकिन परमेश्वर ने कहाँ से कहाँ बचाया। इसका मतलब क्या है, मेरी बुराई करने वाले लोग मैं गुस्सा मुझे भी आता है लेकिन मैं चुप रहता हूँ, मैं उसी समय आपको समझने में पलट कर जवाब नहीं देता। मैं उन लोगों का थैंक्स करता हूँ कि परमेश्वर धन्यवाद। मैं शैतान को भी थैंक्स देता हूँ, अच्छा उन्होंने याद करा दिया मुझे प्रार्थना करना। तो मैं क्या कह रहा हूँ, धन्यवाद हो परमेश्वर का कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसे लोग रखे। तो मैं कह रहा हूँ कि आपके जीवन में अगर ऐसे लोग होंगे, आपकी तरक्की होगी, आप बड़े आदमी बनेंगे, आप कहीं से कहीं जाएंगे, आप ब्लेसिंग को देखेंगे, आपका फ्यूचर परमेश्वर बनाना चाहता है, कोई इंसान नहीं। याद रखना कि आज फ्यूचर आपका बनने वाला है, लेकिन आपको इस समय यूसुफ की तरह अपने आप को ठीक करना है कि परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में सब कुछ कर सकता है। और अगर वो चाहता ठेस लगी थी उसके, वो अपने भाइयों की कभी मदद ना करता। एक दिन उसी के भाई आए और जब अकाल पड़ गया तो उसी समय परमेश्वर ने जब उसी देश के अंदर उसको प्रधानमंत्री बना दिया, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों को बुद्धि देता है, उन लोगों को दर्शन देता है, उन लोगों को कुछ बनाना चाहता है जो टूटे हुए हैं, जो निराश है और जो परेशान है और जो बेकार हो गए हैं, उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। उस दिन परमेश्वर उन लोगों को जो उस समय ऐसी हालत में परमेश्वर से दूर नहीं जाते, फिर भी भक्ति में बने रहते हैं, फिर परमेश्वर उनके पास जाता है और उन्हें बनाता है। याद रखना ऐसे लोगों को बनाता है। और यूसुफ उस दिन प्रधानमंत्री बना, उसी के भाई जब अकाल पड़ा, कर्जा आया, प्रॉब्लम आई, उसी के भाई उसे गेहूं लेने के लिए, अनाज लेने के लिए। याद रखना उस समय वो हो सकता था बदला उतार सकता था, लेकिन उसने भलाई किया। तो
तो परमेश्वर आज रात से आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा है, जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया, जो आपको ताने मार रहे हैं, जो देख रहे हैं कि कुछ नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में, मैं कह रहा हूँ वही लोग आपसे अनाज मांगने आएंगे, वही गेहूं पैसा मांगने आएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है मैं तुम्हें लेने वाला नहीं देने वाला बनाऊंगा, तुम उधार लेने वाले नहीं देने वाले बनोगे, तुम पूंछ नहीं सिर ठहरोगे। याद रखना मसीह में आना तो कह रहा है पूंछ नहीं बनाता, अगर प्रार्थना योद्धा करने वाले हो तो परमेश्वर ऊंचाई पर रखता है। आपके सामने अगर मकान किसी का बना, सबसे बड़ा मकान आपका होगा। आपका बच्चा, सामने वाले का बच्चा इंजीनियर बन गया, प्रार्थना करने वाले का बच्चा उसका भी बाप बनेगा, अफसर बनेगा। याद रखना प्रार्थना योद्धा आपको बनना है। अगर आप बनने के लिए तैयार है तो आज फैसला लो, अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर कि मैं आज से अपनी जिंदगी में पहला स्थान तुझे दूंगा पवित्र आत्मा। मैंने जान लिया अनॉइंटिंग प्लेस पर जाना जरूरी है मेरे पिता परमेश्वर, मैंने जान लिया कि उन लोगों का थैंक्स करना जरूरी है परमेश्वर, मैं आपसे किसी से नफरत नहीं करूंगा, जो कोई मेरे जीवन में ऐसे लोग हैं परमेश्वर मैं उनके लिए भलाई को करूंगा। तो आपको इसको सीखना है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो उसमें लिखा मत्तयू चैप्टर में 4:11 में कि यीशु मसीह के बारे में बुराई कर रहा था, ताने मार रहा था, ठेस पहुंचा रहा था उसको, 40 दिन के उपवास में था यीशु मसीह, उसी समय बार बार शैतान आकर कह रहा था उसको कि तुझे क्या दिया, यीशु मसीह ने छोड़ दिया उसको, कहता तुझे भूख लगी थी रोटी नहीं, कहता जब मैं तुझे ये दूंगा वो दूंगा, लेकिन यीशु मसीह ने उसी समय विश्वास रखा, धीरज रखा, उन तानों को सहता रहा, उनकी सहता रहा, जिनकी जो लोग उसकी बुराई कर रहे थे उन सबकी सहता रहा। और क्या लिखा वहां पर कि शैतान वहां से निकल गया, कहां से निकल गया, लिखा यीशु के पास से निकल गया। इसका मतलब आपके हो सकता है आपको डिप्रेशन देने के लिए, बीमार करने के लिए, कर्जा डालने के लिए आपके आसपास शैतान घूम रहा हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि उन लोगों के पास से शैतान भागेगा, बीमारियां भागेंगी, कर्जे भागेंगे, कह रहा है कि जो कहते हैं कि अपनी तन्हाई में, अपने अकेलेपन में, कह रहा तानों में ठेस पहुंचाने वाले लोगों के बीच में, जो आपके अपने हृदय को दृढ़ रखेंगे, बोल्ड रखेंगे, नहीं परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, परमेश्वर कुछ करेगा। तो मालिक का उस दिन से स्वर्गदूत यीशु मसीह की सेवा करने लगे। याद रखना आज तक आपने कहता है प्रोफेट विजेंद्र सिंह मिस्त्री ने दान देकर सेवा की है, प्रार्थना करके या वॉलंटियर बनकर, क्वायर बनकर, या ब्रांचे खुलवा रहे, मेंबर है, हमारे डायमंड पार्टनर है, मैं कह रहा आपने सेवा की है, आज रात के बाद कहता स्वर्गदूत आपकी सेवा करेंगे। अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो आज रात के बाद मैं एंजल को आदेश देता हूँ, मैं प्रॉफिट होने के नाते आदेश देता हूँ, जाओ एंजल इनकी सेवा करो आज के बाद, जिनके घर में कोई घटिया दूर करो आज यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर आपके बच्चों की सेवा करेंगे। याद रखना मैं कह रहा हूँ सेवा करते हैं स्वर्गदूत, परमेश्वर बाइबल बोलती है परमेश्वर ऐसे लोगों को, स्वर्गदूतों को भेजता है ऐसे लोगों के पास। आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके पास ऐसे स्वर्गदूत भेजे, तो बस यीशु मसीह की तरह इस बात पर ध्यान रखना कि लोगों के तानों की नहीं सुनना, उनकी परवाह नहीं करना, बस अपनी दौड़ में, अपनी फाइट में चलते रहना, फाइट करते रहना, प्रार्थना करते रहना, परमेश्वर का आत्मा का विश्वास रखना। कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर, मैं जिस परमेश्वर को जानता हूँ 2008 से, मैं कह रहा हूँ कि वो ईमानदार परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा और आपको ब्लेसिंग देगा। जितने मुझे सुन रहे मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, अपने हाथों को उठाओ। और आज इस मैसेज से आपने सीखा होगा कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में वो काम किया है कि मैं कुछ बन सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये मैंने आज ट्रॉफी से ले रखी है, आज आपके लिए रखी है ऐसी ट्रॉफी, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आपको देगा। और वह बोलती है कि जो लोग भी पढ़ते प्रकाशित वाक्य में एक जगह पर लिखा है मेरे विश्वासियों के अंदाज हाँ मैं तुझे गले लगाऊ और वो आपको सुनने का बट बनाए। उन लोगों को जो ईमानदार है, जिन्होंने भरोसा रखा, जो संसार की खोज में नहीं आए, तो उनको इनाम देगा। तो मैं ये इनाम आपके लिए ट्रॉफी उन लोगों के लिए लेकर बैठा हूँ जो हर संडे हर वीरवार यूट्यूब देखते हैं, ब्रांच में आते हैं, दान भेजते हैं, सेवा करते हैं, जो परमेश्वर के कामों में मदद करते हैं, आप सेवा कर रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ एंजल आज से आपकी सेवा करने के लिए, एंजल जाएंगे यीशु मसीह का नाम। और विश्वास करना कहता लेकिन आपको अनॉइंटिंग प्लेस पर आना है। मैं आपको एक पोस्टर दिखा रहा हूँ गुजरात का, और इस समय गुजरात में आपने देखना है गुजरात के अंदर ये बड़ी हीलिंग सभा होने के लिए जा रही है। और इसी समय इस हीलिंग सभा में जब आप आएंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा और आपको आशीष देगा और आपको गुड न्यूज देगा और आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आप बड़ी ब्लेसिंग को देखेंगे, आपके जीवन में चमत्कार होने स्टार्ट होंगे, क्योंकि अनॉइंटिंग प्लेस पर अंधा भिखारी गया और चंगा हो गया। बहुत सारे लोग जब वहां आ रहे हैं उन लोगों को बोल रहा हूँ, राजस्थान नजदीक है आपके, पूना, बॉम्बे, सूरत, गुजरात, अहमदाबाद, यूपी, बिहार, मैं फिर कह रहा हूँ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ नजदीक है, आप सब आ सकते हैं वहां पर। और इस बार 2 दिन की प्रेयर है, क्योंकि लोगों ने मुझे कहा कि पापा हम इतनी दूर से आते हैं और आप चले जाते हो, तो हम 2 दिन वहां पर रुक सकते हैं। तो वहां पर एक पैलेस का इंतजाम किया बहुत बड़ा, वहां पर बड़े बड़े चर्चिस हैं, तो
जहाँ पर 4,000 लोग रह सकते हैं वहाँ पर, और उस ग्राउंड जो है वो बहुत बड़ा होगा, अब आपके लिए रहने का खाने का इंतजाम होगा, क्योंकि 2 दिन की मीटिंग है। तो क्योंकि मैं उन लोगों के लिए, देखो आपके लिए मैं कोई ज्यादा तो नहीं कर सकता, लेकिन जो आप मुझे बीज देते हैं मैं उसी से आपको खिचड़ी जरूर खिलाऊंगा, मतलब कि पुलाव वाली, मतलब मटर पुलाव वाली खिचड़ी बनाकर हम आपके लिए वहाँ प्रोवाइड कराएंगे। जो लोग रहेंगे, तंबू लगाए जाएंगे, पानी के स्टोर लगे होंगे, हर चीज होगी वहाँ पर, वॉशरूम की सुविधा होगी, हर चीज होगी। 2 दिन के लिए आप आए, क्योंकि अनॉइंटिंग प्लेस पर जाना ये आशीष लेना है, क्योंकि बाइबल बोलती है जकरिया के 14:17 में लिखा एक जगह पर कि अगर तू यरूशलेम में नहीं जाएगा तो कहता है कि तेरे देश में बारिश नहीं होगी। आशीष की वर्षा करनी है, लेनी है, तो जब कोई प्रॉफिट आ रहा होता है तो उस समय आपको वहां पहुंचना होता है। देखो हैदराबाद में आपने देखा, आपने सिर्फ भीड़ देखी है, हीलिंग में आपने देखा होगा 5, 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग गवाही देने, टाइम नहीं होता, लेकिन उसके बाद हमारा डाटा चेक किया करो आप कि उसके बाद कितने लोगों की गवाही आती है। आपने झारखंड में देखा कितने लोग थे, और झारखंड में इतने लोग आए और उनकी जिंदगियों में चमत्कार होने शुरू हो गए, मतलब इतने लोगों की गवाहियां बनी और लोगों की गवाही आ रही। कुछ लोगों की अगर गवाहियां नहीं आई तो उन लोगों की वेट अपॉन गॉड, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों को जो भाग उतावली से मिल जाता है, अंत में आशीष नहीं रहती। कोई बड़ा आदमी बनाना चाहता है परमेश्वर आपको, कोई बड़ी ब्लेसिंग देना चाहता है, जिसको देर से मिलेगा पहले बोलते हैं उसको अधिक करके मिलेगा, इसका मतलब कोई बड़ा प्लान है परमेश्वर का आपसे। आप निराश ना हो, आप छोटे आदमी नहीं है, आपको परमेश्वर ने चुना है, आप प्रेम योद्धा हो। शैतान उन किससे डरता है? प्रेम योद्धा से डरता है, जिनके हृदय चट्टान की तरह है, पतरस की तरह है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा पतरस तो चट्टान है, शैतान तेरे से डरेगा, आज से ऐसे लोगों से डरेगा। जब लोगों के सामने बोलते ताने मारते तो उनको बोलते हैं हेलो मेरा परमेश्वर है करेगा एक दिन का, और उस समय पवित्र आत्मा उन लोगों को वेरी गुड मार्क दे रहा होता है। मैं कह रहा हूँ किसी को गुड मार्क मिलते हैं आपको वेरी गुड मिलेंगे, अगर आप ये बात बोलते हैं तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपको धीरज रखना है, क्योंकि अनॉइंटिंग प्लेस पर जाना, अंधा है, बीमार है, लंगड़ा है, टूटा है, कैसा भी हो, मैं कह रहा हूँ कि आपको उस दिन से प्रोग्रेस लगना शुरू होगा अपनी लाइफ में। वो प्लेस अनॉइंटिंग प्लेस हो जाता है जहाँ पर याचक लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं। तो हम गुजरात के पास्टर, हम सब इकट्ठे होकर वहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। मैं गुजरात के पास्टर वालों से भी, मैं आस पास के अहमदाबाद, सूरत और बॉम्बे के पास्टर से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी सब वहाँ पर पहुंचे अपनी कलीसिया को लेकर, ताकि पर हम सब लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना करें। आपके लिए वेयर की पास दिए जाएंगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा, आप गुड न्यूज को देखेंगे, और गोवा से भी लोग आ सकते हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग आप देखेंगे। अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, ले हेड कराना चाहते हैं तो आपको फोन नंबर दिखाई जाएंगे। आइए हम इस समय प्रार्थना करते हैं कि इस समय जो भी कोई निराश है, जो भी कोई चाहता है कि भाई मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, तो पवित्र आत्मा उन लोगों के जीवन में चमत्कार करना चाहता है। अब इसी समय एक पोस्टर ये पूरा स्क्रीन पर बड़ा करके दिखा, इस समय पूरा बड़ा करके स्क्रीन पर, ताकि ये लोग देख लें कि प्रार्थना सभा हो रही है। इस समय अपनी आपको इस समय ध्यान रखना है प्रार्थना सभा का। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय इन लोगों के लिए कि परमेश्वर, या जिन लोगों ने पवित्र आत्मा जी अपने हाथ उठाए, अपने हाथों को उठाओ और मेरे साथ बोलो, पवित्र आत्मा मैं इस समय परमेश्वर रास्ते खुलवाना चाहता हूँ इस समय उन लोगों के लिए। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है जो महेश मैं तेरे लिए रास्ते खोल रहा हूँ, सुमन तेरे लिए रास्ते खोल रहा हूँ। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है कि सुमन और महेश घर की आशीष को पवित्र आत्मा आपको देने के लिए जा रहा है, लेकिन अपने हाथों को उठाना इस समय पवित्र आत्मा के साथ विनती प्रार्थना करना आपको, और बोलना है मेरे साथ के परमेश्वर जो मैं बनना चाहता हूँ मुझे बना। पवित्र आत्मा जी आदि समय परमेश्वर जो लोग चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मुझे परमेश्वर ब्लेस कर, मैं इन लोगों के लिए आज विनती करता हूँ पवित्र आत्मा इनके घरों में, इनके परिवारों में आशीष आने पाए, इनके जीवन में चमत्कार होने पाए, पवित्र आत्मा ये बंधन टूट जाए और सारे श्राप खत्म हो जाए इनके ऊपर से, आज से ये बढ़ते पवित्र आत्मा जिन्होंने जान लिया कि परमेश्वर अगर आज कोई मुझे ठेस पहुंचा रहा है, कोई निंदा कर रहा है, कोई चुगली कर रहा है, कोई बुराई कर रहा है, तो पवित्र आत्मा उन लोगों को तू हटा मत। मैं उन लोगों का थैंक्स करता हूँ परमेश्वर के, ताकि उन लोग पवित्र आत्मा जी देख लें एक दिन कि मेरे परमेश्वर ने तुम्हारे तानों के बीच में, तुम्हारी बड़ाइयों के बीच में मुझे बढ़ाया, लेकिन मेरी प्रार्थना का लेवल परमेश्वर पवित्र आत्मा जी बढ़े आज से यीशु मसीह के नाम में। आज से आप जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी आज से सीख रहे कि मुझे आज से ये बुराइयां, ये मेरे काम जो अड़चने आ रही वो मेरी प्रार्थना का लेवल को बढ़ाने के लिए आ रही, परमेश्वर आज से मैं प्रार्थना करूंगा, थैंक्स करूंगा ऐसे लोगों का। और परमेश्वर जब ये थैंक्स करना शुरू करें कि पवित्र आत्मा जी थैंक्स हो उन लोगों का जो मेरी बुराई कर रहे हैं, थैंक्स हो उन कामों का जो अब तक नहीं बने, तो उसी समय वो शैतान भाग जाएगा, याद रखना, और आपके काम बनने लगेंगे।
ईसा मसीह का नाम है। शैतान को भगाने का तरीका आज लोगों ने सुना पवित्र आत्मा जी, और उसी समय जब यीशु मसीह ने इस तरीके को अपनाया और पवित्र आत्मा जी कहा कि जा मेरा प्रभु मेरे लिए करेगा, तू नहीं करेगा, उसने बहुत ताने दिए शैतान ने। तूने उपवास रखा, तूने परमेश्वर से कुछ मांगा, रोटी मांगी, उसने तुझे पत्थर दिया, क्या अपने परमेश्वर को पत्थर की रोटी बना दे। लेकिन यीशु मसीह, तूने उसको वचन से जवाब दिया और तूने भरोसा रखा। और उसी समय वहां पर लिखा मत्ती 4:11 में कि उस दिन से क्या शैतान वहां से भाग गया। परमेश्वर आज जो लोग सीख रहे कि पवित्र आत्मा जी, मैं आज से ये कहना स्टार्ट करूंगा, मैं पुणे से, बॉम्बे से, महाराष्ट्र, यूपी से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा वालों को मैसेज दे रहा हूँ, पंजाब वालों को, फॉरेन वालों को, कि आज से मैं कहना स्टार्ट करूंगा कि परमेश्वर मेरा काम चाहे बना या ना बना, पवित्र आत्मा मैं थैंक्स करता हूँ तेरा, परमेश्वर ये लोग जो मेरे बीच में कह रहे तेरा काम अब तक नहीं बना, जो अड़चने आ रही है उनके लिए मैं थैंक्स करती हूँ, थैंक्स करता हूँ परमेश्वर, और मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा जी शैतान उस दिन से भागना स्टार्ट हो जाएगा उनके घर से। और उसी समय पवित्र आत्मा स्वर्गदूत आएंगे और आज से स्वर्गदूत इनकी सेवा टहल करें, स्वर्गदूत आए इनके आस पास परमेश्वर, और एंजल पवित्र आत्मा आज से इनकी मदद करना स्टार्ट करें यीशु मसीह का नाम। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा जी आज से वो एंजल तो इनके लिए भेज रहे यीशु मसीह का नाम। बोलो आमीन। इस समय परमेश्वर का आत्मा उन एंजल को आपके पास भेज रहा है, एनॉइंटिंग बटर ऑयल लेकर, और इसी समय मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। इसी समय लोगों की एक गवाही आपको दिखा रहा हूँ, छोटी सी एक टेस्टिमनी है। पापा जी को जेएमएससी की और सबको जेएमएससी की। मेरा लड़का ये बहुत बीमार था, 10 दिन से आईसीयू में था 10 दिन से, और डॉक्टर ने बोला था कि इसका ऑक्सीजन लेवल 40% से भी नीचे है, और इसको वेंटिलेटर पे रखा था। पापा जी के ऑयल वाटर यूज़ करने से अब ये मेरा बच्चा एकदम चंगा हो चुका है। जोरदार तालियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए। देख रहे थे ये भाई अंधेरी ब्रांच में जाता था, और इसके भाई का लड़का कोमा में चला गया, हॉस्पिटल में था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, और ये बता रहा है कि जब मैं ब्रांच में गया, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया अंधेरी ब्रांच में, और जो हमारी ब्रांच है, जो लोग जा रहे हैं बसई में, और जो हमारी ब्रांच है तीसरी ब्रांच किधर है, थाना ब्रांच में, और उसी समय जब ये लोग गए उधर तो इन्होंने ब्लेसिंग को देखा। जब ये लड़का बता रहा अंधेरी ब्रांच में गया और उसी समय एंटी वाटर ऑयल भी यूज़ किया और उसकी गवाही आई, बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। परमेश्वर का आत्मा उन लोगों से बात कर रहा, मैं ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ, आप क्या बिलीव करना, आपको पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। मैं खासकर जब मैं प्रार्थना कर रहा था सुबह 4 बजे तो प्रभु के आत्मा ने मुझे बताया कि कुछ बॉम्बे के ऊपर 2025 में प्रॉब्लम आएगा, 2025 में, मतलब कि जैसे हो सकता है कोई बड़ी बाढ़ 2025 में, कोई ऐसा कोई तबाही, कुछ तबाही, तूफान, कुछ ऐसी चीजें, कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स। लेकिन परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से को सावधान करने के लिए बोल रहा है कि प्रेयर लाइफ आप अपनी मजबूत करें, परमेश्वर आपको आशीष देगा। इसी समय देख रहा हूँ कि राधा आपके जीवन में इस समय परमेश्वर ब्लेसिंग देना चाहता है, यूएसए ब्लेसिंग, आपको यूएसए के लिए अप्लाई करना है राधा या फिर करना, लेकिन अपनी स्टेटमेंट ठीक रखना है। आप कहते हैं परमेश्वर काम नहीं करेगा, काम करेगा। आप मुझे काठमांडू से, नेपाल से देख रहे हैं, इंडिया से देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अभी इसी समय वो काम करेगा, लेकिन आपको काम करने के लिए तैयार हो जाना है। इसी समय देख रहा हूँ रेखा, तो मुझे हिमाचल से देख रही है और परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है कि आपके ऊपर बहुत सारी फाइनेंस को लेकर आप परेशान, आपका हस्बैंड जो है शराब पीता है, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं अक्टूबर के बाद से तेरी लाइफ स्टोरी चेंज करने वाला हूँ, हर सब चीजें चेंज होंगी यीशु मसीह के नाम में। क्या आप बिलीव कर सकते हैं, स्माइल दे सकते हैं, या ठेस पहुंचाई है किसी ने तो उसको, आप इस समय आप चिंता ना करें, परमेश्वर कोई काम करने वाला आपका। ऐसे देख रहा हूँ कोई कुवैत से मुझे देख रहा है और उसी समय उसके कामों में कुछ अड़चन है, पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं इस समय आजाद कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। आपका भाई कोई बीमार है, इसी समय हीलिंग मिल रहा है उसको यीशु मसीह के नाम में। उर्मिला आप मुझे देख रहे हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है कि अभी फाइनेंस बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है कि अभी आप अपने फाइनेंस में आप अपने कामों को खुलता हुआ देखेंगे और आशीष को आता हुआ देखेंगे। एक बड़ी गुड न्यूज आपके ऊपर जल्दी आने वाली है, अपने हाथों को उठाओ और उसी समय तैयार हो जाओ, परमेश्वर ब्लेसिंग दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। जिसमें देख रहा हूँ कोई स्पेन से मुझे देख रहा है, उसके कमर में कुछ प्रॉब्लम है, आजाद हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। किसी और को भी देख रहा हूँ, मकसूद तेरा नाम है, और उसी समय हाथों की तरफ देख रहा हूँ और उसी समय गुड न्यूज मिल रहा है आपके
शरीर में कुछ प्रॉब्लम थी, आपके अभी आवाज कुछ कड़कड़ कड़कड़ की बात जा रही है, आपके पैर आपके फुट ठीक हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ किसी को शुगर की वजह से जख्म हो गए और उसी समय आपके पैरों में जख्म वो सूख नहीं रहा, आपकी टांगे ऐसी हुई है, ध्यान से सुनना, जिनकी टांगों में जख्म है, एलर्जी है, भाई एक बार स्पेशल लेड आपको कराना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा और एक अंजीर की टिकी आपको लेनी पड़ेगी। और मीटिंग को फिर कह रहा हूँ उन लोगों को, अगर आप आना चाहते हैं गुजरात की मीटिंग में आए, आप चर्च भी आ सकते हैं, संडे चर्च आए, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा, आपको ब्लेसिंग देगा। इसी समय अपने हाथों को उठाओ और फिर मैं से लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, जो भी कोई बीमार है समस्या में किसी से आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में, पत्रियां बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में, सोलियां बाहर, पवित्र आत्मा जी जो भी कोई इस समय बीमार, जिस बीमारी के नाम लेकर मैं डांट रहा हूँ अपने सिर पर हाथ रखो, आप आजाद हो, पत्रियां बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में, सोलियां बाहर जाए, पवित्र आत्मा जी चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में, इस समय सर्वाइकल के पेशेंट आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में, निकला बाहर चलो गंदी आत्मा चलो छोड़ो, किसी के ब्रेस्ट में सोली देख रहा हूँ, गिल्टियां देख रहा हूँ, बाहर आ रही है, देख रहा हूँ कोई महाराष्ट्र में देख रहा हूँ, कोई तलाक का चक्कर हो रहा है, उसी समय खत्म हो रहे यीशु मसीह के नाम में, सही से देख रहा हूँ, किसी के कमर में बैंड लगी हुई है और उसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं तुझे आजाद कर रहा हूँ, तू टिका हुआ है विश्वास के साथ, विश्वास कर परमेश्वर तेरे दे हील कर रहा है, बना कर रख रहा है। एक बहन है दिल्ली से, उसके कमर में प्रॉब्लम है, मुझे देख रही है लाइव, और आपके घर परिवार के लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन आज से तीन दिन के बाद तेरी कमर में आराम आने लगेगा, पवित्र आत्मा तू आजाद कर यीशु मसीह नासरी के नाम में, यीशु के नाम में। देख रहा हूँ जगजी, देख रहा हूँ कि फाइनेंस के रास्ते खुल रहे हैं, टोरंटो से देख रहा हूँ फाइनेंस के रास्ते खुल रहे हैं, ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम। कनाडा से देख रहा हूँ ड्राइविंग के लेसन आपके क्लियर हो रहे हैं, आप जाओ और गुड न्यूज मिल रही है, कोई पी आर के लिए यूएसए से मुझे देख रहा है, इंग्लैंड से देख रहा है, कोई ऐसे ड्राइविंग लेसन देख रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, जिसके नाम GJNRSMPKLT से आपको गुड न्यूज मिल रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में, परमेश्वर ब्लेसिंग दे। और चीज में देख रहा हूँ कोई अजर मुझे यूएसए से देख रहा है, कोई बेटे का प्रॉब्लम है कुछ ऐसा, और चीज में परमेश्वर आजाद कर रहा है, कोई विलियम पवित्र आत्मा कर रहा फाइनेंस में ब्लेसिंग को दूंगा यीशु मसीह के नाम में। वैसे देख रहा हूँ विक्टोरिया, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं तुझे भोग नहीं दिया, बस मुझे इतना ही कहा, पता नहीं क्यों कहा, विक्टोरिया तेरे लिए परमेश्वर ने मुझे कहा कि मैं तुझे भूल नहीं गया, मारिया आपके लिए बोला परमेश्वर ने कि मैं तुझे भूल नहीं गया, मैरी और विक्टोरिया परमेश्वर कोई काम आपका हल करने वाला है, जो आप बच्चों की टेंशन कर रहे हो आपके लिए जल्दी परमेश्वर इंतजाम कर रहा है, शौसी नाथली का नाम है सोनिया, और इसी समय पवित्र आत्मा आपके लिए रास्ते खोल रहा, आप बार बार डिप्रेशन में जा रहे हो, टेंशन में जा रहे हो, लेकिन मैं एक सोनिया को देख रहा हूँ कोई ऐसे कोई व्यस्त से देख रही है, और कैंसर का कुछ प्रॉब्लम हो गया, आप कहीं से देख रहे हो, इसी समय गुड न्यूज मिल रहा आपको, इसी समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ वो कैंसर के श्राप टूट जाए, सिर पर हाथ रखो, इसी समय पवित्र आत्मा जो भी कोई कैंसर के पेशेंट है आजाद होने पाए शौसी के नाम में, जो भी कोई समय सांस लेने में प्रॉब्लम है, मैं देख रहा हूँ कोई आदमी उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, और जिसे पंप लेना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, उसको पंप लेना पड़ता है, इसी समय अस्थमा बनाएंगे साथ, और प्रभु का आत्मा आपको गुड न्यूज देगा, यूपी से देख रहा हूँ, वैसे देख रहा हूँ यूपी बिहार से कोई बहन भाई है, और उनके घर में कोई बहुत झगड़ा बहुत क्लेश रहता है, पवित्र आत्मा कह रहे हैं आप दोनों बहन भाई प्रेयर कर रहे हैं माँ बाप के लिए, हो सकता है डैडी शराब पी कर आता और लड़ता है, इसी समय परमेश्वर उसका जीवन बदलने के लिए जा रहा है, वैसे देख रहा हूँ उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से मुझे देख रहे हैं कोई, और उनका कारोबार में चौपट हो गया, फाइनेंस में चौपट हो गया, बहुत सारे आप टीचर का भी काम किया आपने, आप कहीं प्राइवेट जॉब भी किया आपने, कोई लेडीज है और कोई मुझे देख रही है, और परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, और प्रभु आपके फाइनेंस के लिए रास्ते खोल रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम, प्रभु ने गुड न्यूज दे और फाइनेंस दे, और आज से परमेश्वर इनके जीवन में आज से रास्ते खोलते चले जाए यीशु मसीह के नाम। जैसे देख रहा हूँ गीता बहुत सारे काम आपके बनने स्टार्ट हो रहे हैं, कोई ऐसे प्रभु पर पाकर फाइनेंस में करोड़ों रुपए की डील हो रही है यीशु मसीह के नाम में, रीटा तेरा घर बन रहा है यीशु मसीह के नाम में, ऐसे आता हूँ देख रहा हूँ कि कोई ऐसे मुझे इसमें देख रही है रेखा,
और RGHALDLEGN, आपकी गाड़ी रुक नहीं रही है, सुन रहे हो, गाड़ी रुक गई है, खराब हो रही है, जैसे पुरानी गाड़ी है, परमेश्वर का आत्मा की नई गाड़ी के साथ आपको ब्लेस कर रहा है, न्यूज मिलेगा। तो आइए हम गवाही को सुनेंगे। जय मसीह की पापा जी और सारी कलिसिया को मेरी ओर से जय मसीह की। मेरा नाम कुमोला तिर्की है, मैं झारखंड रांची गुमला में रहती हूँ और मेरी ये गवाही है कि मेरे पति को मुंह का कैंसर हुआ था और मैं अप्रैल महीना में प्रोफिट विजेंदर सिंह के यहाँ अनॉइंटिंग तेल और वाटर भी यूज की और परमेश्वर ने मेरे पति को मुंह के कैंसर से चंगाई दिया। इसके लिए मैं प्रभु को, यीशु मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और पापा जी को भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। इसी समय गवाही प्रभु क्या आत्मा ने दिखाया, देखो इस बहन को कैंसर का प्रॉब्लम था और उस समय इस बहन ने देखो कहाँ से, उड़ीसा छत्तीसगढ़ से, कहाँ से देख रही थी, कराची पाकिस्तान से। और आप देखो कि परमेश्वर ने कितना बड़ा मिरेकल कर दिया इस बहन के लिए। इसी समय गुड न्यूज फेवर ये परमेश्वर की ओर से और इस समय प्रभु रास्ते खोल रहा है। जो लोग चाहते हैं कि मैं इलेक्शन जीत जाऊँ, ब्लेसिंग मिले मुझे, उन लोगों के लिए खासकर बोल रहा हूँ, MLA बनना चाहते हैं, MBA बनना चाहते हैं, गिफ्ट है मेरे पर। और आप उनके प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं उनकी हमारे प्रेयर लाइन नंबर पर और ईमेल कर सकते हैं। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर ने जरूर जिताएगा आपके कैंडिडेट को, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे। और बहुत सारे लोग, आपको पता है कि जो जो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा उन लोगों की जिंदगी में काम हुआ, परमेश्वर बहुत सारे रास्ते खोलना चाहता है। और हमने बॉम्बे में प्रेयर टावर खोला है और मैं उसका उद्घाटन करने के लिए जाऊँगा अभी दो तीन दिन में। उसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आपको वीडियो दिखाई जा रही है वो, और आवाज मेरी चलती रही तो वीडियो दिखा सकता तो, या फिर आप देखें दो मिनट में कांकर का पूछ उसे, और इसी समय आप उस आप देखेंगे उस वीडियो को कि बॉम्बे में प्रेयर टावर खोला है, उसको ध्यान से देखें। हाँ, प्रॉफिट प्रोफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री आप सबका स्वागत करती है गुजरात में होने जा रही बड़ी प्रार्थना सभा के लिए, जहां परमेश्वर लाखों लोगों में अपने दास प्रोफेट बजिंदर सिंह जी को अपने वचन के द्वारा इस्तेमाल करेंगे और उनके द्वारा भविष्यवाणी करेंगे, जहां आप परमेश्वर के आशीषित वचनों को सुनकर अपने जीवन में आशीषों को देखेंगे, जहां लाखों लोग इकट्ठा होकर परमेश्वर की आराधना, महिमा और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, जहां परमेश्वर के दास प्रॉफिट बजेंद्र सिंह जी आई हुई संगत के लिए खास प्रार्थना करेंगे। Who is this Jesus of Nazareth? He's a prophet, a great prophet. A prophet? यदि आप बीमार हैं, परेशान हैं, दुखों में हैं, कर्ज में हैं, नशों में हैं, तो परमेश्वर अपना वचन भेजकर आपको उस गड्ढे से बाहर निकालेंगे। तो आइए 22 और 23 मई 2024 बड़ी प्रार्थना सभा के लिए। जहां बड़ी बड़ी चंगाइयां, छुटकारे, इंस्टेंट हीलिंग को आप परमेश्वर के दास प्रोफेट बजेंद्र सिंह जी की प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन में होता हुआ देखें। बड़ी प्रार्थना सभा के लिए आप सबको आमंत्रित किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा गिनती में और अपने रिश्तेदारों और अपने परिवार के साथ पहले आकर अपने स्थान को सुनिश्चित करें, ताकि परमेश्वर अपने दास प्रोफेट बजेंद्र सिंह जी के द्वारा आपको आशीष दे सके। तो आना ना भूलें,
दिन 22 और 23 मई शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक। स्थान पोस्ट बाग जारी तालुको प्यारा डिस्ट्रिक्ट तापी गुजरात। इन विशाल प्रार्थना सभा में आप शामिल हैं और अपने जीवन में छुटकारे को पाएंगे। आपके रहने और खाने का खास प्रबंध किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे प्रेरण लाइन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। देख रहे थे ये प्रेयर टावर, आपको दिखाया जा रहा है बार बार कितना सुंदर प्रेयर टावर बना है आपके लिए। ये प्रेयर कॉलिंग होगी, यहाँ पर बच्चे प्रेयर करेंगे आपके लिए, रात दिन प्रेयर करेंगे। जो आपको प्रेयर लाइन में समस्या आ रही थी तो उस समय आपके बॉम्बे, गोवा, महाराष्ट्र और इस इलाके के लिए इधर हमारी चंडीगढ़ की टीम तैयार होकर इधर भी कुछ बच्चे इधर प्रेयर में बैठेंगे। जिनको जॉब करनी है, सेवा करनी है, कोई भी समर्पित है तो वो नाम लिखवा सकता है बॉम्बे में। और आपके लिए बीच में एक कमरा ऐसा बनाया जाएगा जहाँ पर आप प्रेयर करेंगे। जैसे मूसा एक तंबू बनाता था, उसमें जितने लोग प्रार्थना करते थे उनके ऊपर भी मसा उतरता था, वैसे ही एक हमने प्रेयर रूम बनाया। और इस प्रेयर रूम में जब आप यहाँ मांग कर जाएंगे, क्योंकि मैं जब यहाँ पर आकर प्रेयर करके जाऊँगा तो वो भी शरीक यहाँ आएगा। और उसके बाद जैसे भी हम मुंबई, गुजरात या अहमदाबाद या पुणे या गोवा के लोग, जो भी कोई हमारी ब्रांच हो गए लोग परेशान है कुछ, मैं फिर कह रहा हूँ कि लेकिन आपको एक घंटा या 15 मिनट 20 मिनट यहाँ पर प्रार्थना करके जाएंगे तो आपके जीवन में ब्लेसिंग मिलेगा। मतलब लेकिन पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ऐसे अलाउड नहीं होगा आपको, सिक्योरिटी कार्ड आने नहीं देंगे अंदर। आपको प्रेयर लाइन पर आपको बताना कि मुझे इस डेट को मैं खाली हूँ, मुझे यहाँ पर, लेकिन कोई आपसे कॉस्ट नहीं ली जा रही है, फ्री सेवा होगी वो, लेकिन पर वो कुछ हमारे खासकर डायमंड पार्टनर और मेंबर पार्टनर के लिए होगा, तो जो उनके लिए होगा ये जो हमारे साथ मेंबर है, हर व्यक्ति के साथ नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता आप हमारे साथ जुड़े हैं कि नहीं, या आप कौन है कौन नहीं, हम ऐसे जानते नहीं आपको। जो आपके साथ हमारे साथ डायमंड पार्टनर है, मेंबर है, वो वहां जाकर प्रेयर करेंगे और अपनी शांति को देखेंगे, ब्लेसिंग को देखेंगे। और बच्चे आपके लिए दुआ कर रहे होंगे, लेकिन उस कमरे में आप खुद बैठ कर एक अनुभव करेंगे या स्वर्गदूत आपसे बातें करेंगे। जैसे अगर कोई पास कर दिए उसके ऊपर भी इन्वर्टिंग आना शुरू हो जाएगा उस कमरे में। रजिस्ट्रेशन कराएं, आप प्रेयर लाइन नंबर देख रहे हैं मुंबई का आप, और ऐसे ही हमारा गुजरात का प्रेयर लाइन नंबर देखेंगे, और आप ऐसे ही गुजरात में, अहमदाबाद में और कई जगह पर हमारी ब्रांचें आप खुलते हुए देखेंगे, मुंबई में देखेंगे आप, और इधर हमारी ब्रांच खुल रही है तो सारी जगह पर, नवे शहर में भी ब्रांच खुल रही है। इस संडे आपको गुड न्यूज मिलेगा, आप सब लोग वहाँ जाएं, पंजाब से परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। और उसी समय प्रभु की आत्मा ने मुझे कहा, जिन लोगों के जन्मदिन है, कोई एमपी से, यूपी से, दिल्ली से, असम से और आगरा से और इसी तरह पंजाब से, मुंबई से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा से जो मुझे देख रहे, परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि मैं उनके जन्मदिन पर उनको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, जिन लोगों ने समय परमेश्वर अपने भेंट, अपने दान, अपने दशमांश दिए परमेश्वर, उनको ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जो जिनके आज जन्मदिन है उनके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि आज के दिन से मैं तुम्हें आशीष देता रहूंगा, और कोई मतलब कि फॉरेन का या कोई जॉब का कोई आपका काम बनेगा, जिन बच्चों के जन्मदिन है, बड़ों के जन्मदिन, फैमिली में कुछ ऐसा हो, प्रभु जाने का अवसर मिलेगा, और कोई फाइनेंस का काम बनेगा, और कोई ऐसे जॉब का काम बनेगा, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, कोई आप है अपना काम स्टार्ट करेंगे, ऐसा एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे, जिनके जन्मदिन है उनके लिए कुछ कमी है, मुझे ब्लेसिंग देने के लिए। और ये प्रेयर लाइन में मुझे आपकी जरूरत है कि मैं ये प्रेयर लाइन का जो खर्चा है, अगर आप हेल्प कर रहे हैं जो, तो मैं उन लोगों के लिए अपॉइंटमेंट भी करूंगा, रेट भी करूंगा, और परमेश्वर ब्लेसिंग दे, मैं एक दिन मिलूंगा मौके में आकर आपको, तो आपको बिलीव करना है जो हेल्प करेंगे उन लोगों के लिए हम खड़े होंगे, परमेश्वर उन्हें ब्लेस करेगा और उनकी जिंदगी में बहुत सारे कामों को बनाएगा। ये बॉम्बे में हम एक जगह पर चाहते हैं कि परमेश्वर काम करे इधर और बहुत सारी ब्लेसिंग आपके ऊपर उतरे, लेकिन ये संभव तब है जब आप बीज बोएंगे, हमें एक बड़ी लैंड लेकर हम यहाँ पर चर्च स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम सब इकट्ठे होकर वहाँ पर प्रार्थना करें, परमेश्वर का आत्मा काम करे। अभी अगर आप चाहते हो तो ऐसे लोग सामने आए, और जो भी ब्रांचें खुलवाना चाहते हैं सामने, आप एक्सिस बैंक को देख रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं,
इसमें गूगल पे कर सकते हैं आप, नंबर देख रहे हैं स्क्रीन पर रे टावर के, तो आप ये बाहर से दान राशि भेजने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये नंबर आप स्क्रीनशॉट लो पार्टनर बनने के लिए, मेंबर बनने के लिए, कि ताकि आप ठगे ना जाओ, आप दूसरों के हाथों में ना जाओ। कोई लोग फेसबुक पर फोटो हमारे लगाते हैं और नंबर अपने डाल देते हैं स्कैन कोड, तो आप ऐसे ही देख लेते हैं। लेकिन लाइव चल रहा है तो लाइव में से इस समय कोई भी अगर लाइव चला रहा होगा तो आप वो हमारा दिखा रहा होगा, तो इसी समय आपको ये ध्यान रखना है। तो परमेश्वर आपको आशीष दे और ब्लेसिंग दे। हमें मीडिया टीम के बच्चों की जरूरत है, कुछ हमें ड्राइवरों की जरूरत है जो 40 साल से ऊपर है, और जो भी कोई आर्मी से रिटायर है, पुलिस से रिटायर है, उन्हें हम जॉब देंगे, वो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कहीं पर भी रहते हैं अच्छी जॉब के साथ, आपको जो मार्केट में जॉब चल रही है सैलरी चल रही है, जरूरत है हमें बहुत सारे लोगों की। लेकिन हमें आपके दान भेंट दशमांश की जरूरत है, कि ताकि आप देखें कि गुजरात में ये इतना बड़ा प्रदूषण जो हो रहा है, उसके लिए हम चाहते हैं कि भाई लंगर के लिए लोग आगे आए भी आए। लोग बोलते हैं, लेकिन मैंने देखा है जिन लोगों ने हेल्प किया परमेश्वर उनका काम बनाया। एक बहन की मैं दवाई बता रहा हूँ, अमेरिका से अपरमजीत बहन, उसने 5 लाख रुपए प्रदूषण के लिए बोया था पिछली बार, और देखो इतना बड़ा बीज उसने बोया और परमेश्वर उसको आशीष दे, और मतलब बोलती रहती है वो औरत, और बहुत सारे